वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वगा लंबोदर नमस्तुभ्यं सततं मोदक प्रिया निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः जय जय श्री राधारमण। आइए परब्रह्म परमात्मा के चरण कमलों में नतमस्तक होकर आवाहित समस्त देवताओं के श्री चरणों का आशीर्वाद लेते हुए स्थान देवता, नगर देवता, क्षेत्रपाल देवता सबका अनुग्रह प्राप्त करते हुए अपनी विद्वत मंडली एवं पंडाल में आगंतुक माता बहने भाई बंधु सबको प्यार भरा नमस्कार करते हुए आज पुनः भगवान की मंगलमयी चर्चा सुनने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। आइए दो बार प्यार से ठाकुर जी का नाम लेंगे, फिर भगवान की मंगलमयी चर्चा सुनेंगे। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। वाके हाथ लकुटिया चंदन की, वाके हाथ लकुटिया चंदन की, जय बोलो यशोदा नंदन की, जय बोलो यशोदा नंदन की, हाथ लकुटिया चंदन की, वाके हाथ लकुटिया चंदन की, जय बोलो यशोदा नंदन की, जय चंदन की। विशाला कलेवन माला नयन विशाला
भले मन माला नयन विशाला माला पहने लाल मोतियन की माला पहने लाल मोतियन की जय बोलो यशोदा नंदन की जय बोलो यशोदा नंदन की जय बोलो यशोदा नंदन की हाथी लकुटिया चंदन की हाथी लकुटिया चंदन की जय बोलो यशोदा नंदन की जय बोलो यशोदा नंदन की जो प्रसंग सुने थे उन्हीं प्रसंगों को आगे बढ़ाते हुए सप्तम स्कंद में प्रवेश किया है। सप्तम स्कंद में दोहराते हुए कहता हूं, एक दिन मैंने बताया था कि जय और विजय को श्राप मिला जो दिती के गर्भ से पैदा हुए हिरणाक्ष हिरणाकश्यप के रूप में। हिरणाक्ष का वध बड़ा भगवान ने किया। जब हिरणाक्ष का वध हो गया तो जो भाई था हिरणाकश्यप, जब उसे ज्ञात हुआ कि मेरे भाई को विष्णु ने मारा है, नारायण ने मारा है, तो हिरणाकश्यप के अंदर बदला लेने के लिए उसने उद्यम किया कि मैं विष्णु से नारायण से बदला लूंगा। अपनी पत्नियों को परिवार वालों को तो उसने समझाया, ज्ञान दिया, लेकिन उस ज्ञान को स्वयं धारण न करते हुए बदले की भावना से, द्वेष की भावना से हिरणाकश्यप ने अपने नारायण को शत्रु मान बैठा। और जब शत्रु माना है तो शत्रु से तो बदला ही लिया जाता है, लेकिन बदला कैसे लिए जाए? बदला अगर लेना है उसके लिए शक्ति की जरूरत है, सामर्थ्य की जरूरत है। इसीलिए हिरणाकश्यप के अंदर भावना जागी कि पहले मैं तप करूंगा, तप करूंगा तो मेरे अंदर शक्ति आएगी, शक्ति आएगी तो मैं विष्णु से युद्ध कर पाऊंगा। बोल नारायण भगवान की जय। लेकिन बदले किया, द्वेष भावना से किया हुई तपस्या भी तो सफल नहीं होती। आज बदले की भावना लेकर के विष्णु से शत्रुता मान करके घर से निकला, पत्नी कयाधु को आश्वासन दिया कि देवी मैं तप करने जा रहा हूं, मैं तप करने जा रहा हूं। ठीक है महाराज, पत्नी क्या कह सकती है पति को, जाइए। घर से निकला, जंगलों में गया, जिस पेड़ के नीचे
तपस्या करने के लिए बैठा था। ब्रह्मदेव प्रसन्न भव, तपस्या ये कर रहे हैं, दिक्कत किसी और को हो रही है, इनकी तपस्या से देवताओं को परेशानी हुई और देवता महाराज अपने अपने गुरु के पास गए, बृहस्पति जी के पास। महाराज रक्षा कीजिए, हिरण्यकश्यपु तपस्या कर रहा है, देवता को परेशानी हुई, देवता बृहस्पति जी के पास गए, महाराज रक्षा करो, आप गुरु हो और गुरु तो रक्षा ही करते हैं। गुरुजी ने पूछा कारण क्या है, जो महाराज हिरण्यकश्यपु तपस्या कर रहा है न करने दो, जो महाराज अगर इसकी तपस्या सफल हो गई ना तो दिक्कत ही दिक्कत है, विघ्न ही विघ्न है, इसीलिए आप उद्यम करिए। जो मैं उद्यम करूं, मैं क्या उद्यम करूं, क्या कुछ नहीं करना, इसकी तपस्या में विघ्न करना है। अब गुरु तो गुरु ठहरे, अपने शिष्यों की सहायता के लिए बृहस्पति महाराज ने तोते का रूप लिया और तोते का रूप लेकर के वहीं गए जहां हिरण्यकश्यपु तपस्या कर रहा था। उस पेड़ की डाली पर बैठ करके गुरुजी महाराज ने जो तोते के रूप में आए हैं, नारायण भगवान का भजन करना शुरू कर दिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, नारायण नारायण की ध्वनि लगातार रटन लगाना प्रारंभ कर दिया। हिरण्यकश्यपु नीचे बैठा है, वो ब्रह्मदेव प्रसन्न भव इन मंत्रों को उच्चारण कर रहा है, लेकिन बीच में नारायण नारायण की ध्वनि करने वाला कौन है। हिरण्यकश्यपु के मन में गिलानी आई कि ये तोता तो मेरे शत्रु का नाम ले रहा है, जिस शत्रु को मारने के लिए मैं शक्ति प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहा हूं, वही शत्रु का नाम तोता ले रहा है। अचानक विचार आया, लगता है आज का मुहूर्त सही नहीं है, समय शुद्ध नहीं है, शत्रु का नाम लेने वाला तो ये बैठा आया। मन में क्या विचार आया, खड़ा हुआ, घर आया, पत्नी को अचंबा हुआ क्योंकि पति को जानती है कि मेरा पति कैसा है, पति के आहार को, व्यवहार को, स्वभाव को जानती है कि मेरा पति कैसा है, लेकिन विवश है। अचंबा हुआ कि मेरे पति देव तो इतना बड़ा संकल्प लेकर के गए थे कि मैं तपस्या करने जा रहा हूं, तो तपस्या तो एक दिन में नहीं होती, ये वापस कैसे आ गए। कयाधु अपने पति से पूछना चाहती है लेकिन डरती है, लेकिन डर के कारण पूछने नहीं पा रही कि कैसे आ गए। अपने पति के स्वभाव को जानते हुए पत्नी ने सोचा कि मैं कैसे पूछूं, ये जो मुझे मालूम है। एक बार अकबर ने कालीदास जी से पूछा था, सिंगला साहब चीनी के मीठा कुछ होता है, चीनी से मीठा। कालीदास जी ने कहा बहुत कुछ होता है, नहीं बहुत नहीं, एक चीज बता दो न, चीनी से मीठी प्रशंसा होती है। बोलो जय श्री कृष्ण, चीनी से मीठी, अब प्रशंसा करो शुगर अपने आप हो जाएगी, हैं? आप प्रशंसा करिए, शुगर अपने आप हो जाएगी। आज पत्नी जानती थी कि मेरा पति प्रशंसा का भूखा है, इसीलिए पति के सामने आई और हाथ जोड़कर कहने लगी, महाराज मैं जानती हूं इंद्र वरुण कुबेर तो आपसे थर थर कांपते हैं, इंद्र कुबेर वरुण आपसे थर थर कांपते हैं, शनि राहु केतु तो पास तक नहीं आते भय के कारण, इतना आपका जलवा है, इतना आपका जो है खौफ है। हां देवी ये तो है, ये भूमिका बनाते हुए अचानक प्रश्न किया महाराज, लेकिन ये समझ में नहीं आया आप जिस काम के लिए गए थे वो इतनी जल्दी हो गया।
प्रशंसा के कारण मन प्रसन्न हुआ, पत्नी को जवाब दिया नहीं देवी नहीं हुआ। कारण कारण देवी विघ्न आ गया, मेरी तपस्या में विघ्न आ गया। मन में तो कयादु ने सोचा कल लो बात, कोई अच्छा भला व्यक्ति हो तो विघ्न आ भी जावे, लेकिन विघ्न के सामने क्या विघ्न आएगा, ये तो सारी दुनिया के लिए खुद ही विघ्न बना बैठा है। लेकिन कह नहीं सकती जो अच्छा महाराज विघ्न आ गया, ऐसा क्या विघ्न आ गया। उस दिन कयादु ने सुंदर भोजन बनाया, जिनको आप 56 प्रकार के पदार्थ कहते हैं, भोजन को बना करके कयादु ने थाली सजा करके हरी हरी धनिया डाल करके रेड़ा कश्यप के सामने थाली रखी, सुगंधी अंदर गई। पति की अनुकूल स्थिति को देख करके तुरंत कहा महाराज विघ्न कैसा आ गया आपके सामने विघ्न। नहीं देवी ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, मैं जिस पेड़ के नीचे बैठ करके तपस्या कर रहा था ना, तो वहां एक तोता आया। महाराज तोता तोता विघ्न करता है, तोते ने क्या विघ्न किया आपके सामने, तो जो वह इतने बड़े बड़े देवता जो है आपका सामना नहीं रास्ता छोड़ देते हैं। क्या नहीं देवी तोते ने विघ्न नहीं किया। अंदर गई गरम गरम कचौड़ी लाई थाली में रखी, महाराज तोता कैसे विघ्न कर सकता है। अरे वो तोते ही था जो विघ्न कैसे किया। अरे वो नारायण नारायण कह रहा था, बोल नारायण भगवान की जय। आज कयादु को इतनी प्रसन्नता हुई जीवन में कभी नहीं हुई, क्योंकि नारायण दो बार कहा किसने, उसने कहा जो नारायण से शत्रुता मान रहा है, जिसके अंदर भक्ति का संचार ही है नहीं। अपने पति से नारायण नारायण दो बार सुनकर के मन को शांति मिली, क्योंकि उसने कथा सुन रखी थी कि भाव कुभाव अनके आलस हूं, नाम जपत मंगल दिस दस हूं। सुन रखा था कि नारायण का नाम तो ऐसा पवित्र है, कोई भाव से ले तो उसका तो कल्याण होना ही है, लेकिन कोई कुभाव से भी ले लेना नारायण का नाम, नारायण तो उसका भी कल्याण कर देते हैं। आज लिया तो सही, अग्नि का काम क्या है जलाना, नारायण का काम क्या है तारना। अग्नि में आपका हाथ जाने में लगे या अनजाने में लगे, अग्नि ने आपके हाथ को जला ही देना है। उसी प्रकार आप नारायण का नाम जाने में लो अनजाने में लो, भाव से लो कुभाव से लो, लेकिन लो, अगर लोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा बताइए, कंस का कल्याण नहीं हुआ कि शिशुपाल का कल्याण नहीं हुआ कि रावण का कल्याण नहीं हुआ, ये नरक में नहीं सीधे धामों में गए। नाम तो लिया, लेकिन क्या इन्होंने राम राम मन से कहा, कृष्ण कृष्ण मन से कहा, कुभाव से कहा, शत्रुता के कारण कहा, लेकिन फिर भी इनका कल्याण। आज कयादु ने सोचा कि आज मैं अपना फर्ज निभाऊं, कौन सा, धर्म पत्नी होने का, धर्म पत्नी होने का। कम से कम अपने पति से एक माला तो मैं करवा सकूं। अंदर जाती है रसोई में, सुंदर व्यंजन लाती है, थाली में रखती है, फिर कहती है महाराज मैंने सुना नहीं, अजीब लग रहा है, तोता कैसे नारायण कह सकता है, तोता तो बोलता नहीं, तोता तो नारायण कैसे कह सकता है। और तब जो हृदय कश्यप कहता है देवी वो तोता ही था, वो तोता ही नारायण नारायण कह रहा था। इस प्रकार आज कयादु ने अपने पति से एक माला करवाई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। पत्नी को शांति मिली, धीरे 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 कयादु सगर्वा हुई। अचानक हिरण्यकश्यप के अंदर फिर मन में विचार आया कि मुझे तपस्या तो करनी है, क्योंकि बदला लेना है विष्णु से, और फिर तपस्या करने गया और तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया।
ब्रह्मा जी प्रकट हुए, वरदान मांगने को कहा कि वरदान मांगिए। वरदान एक ही लेना था। हाथ जोड़ के कहने लगा, महाराज वरदान ही देना है तो हमें अमर कर दो। बोलो जय श्री कृष्ण, हमें अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा ये हम नहीं दे सकते, अमर हम नहीं कर सकते, क्योंकि जो आया है ना, जिसने जन्म लिया है ना, उसे तो मरना ही पड़ता है। ये हमारे पास अथॉरिटी नहीं है, और कुछ मांगो। अमर होने के अलावा कुछ और मांगिए। तब हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगे, जो महाराज अगर अमर नहीं कर सकते तो मुझे ये वरदान दीजिए। फिर उसने मांगे कि मेरी मृत्यु नर से नहीं हो, नारी से नहीं हो। ब्रह्मा जी ने कहा दिया, ऊपर नहीं हो, नीचे नहीं हो, ये भी दिया। सुबह नहीं हो, शाम को नहीं हो, ये भी दिया। अंदर नहीं, बाहर नहीं, ये भी दिया। अस्त्र से नहीं, शस्त्र से नहीं, ये भी दिया। जल में नहीं, थल में नहीं, ये भी दिया। कुल मिला के उसने इस प्रकार के वरदान मांगे, उसको ऐसा लगा कि सब तो मैंने मांग लिए, अब मुझे मारने वाला कोई नहीं है। क्योंकि नारायण भी आएंगे तो मनुष्य के रूप में ही आएंगे, या तो नर बन के आएंगे या नारी बन करके आएंगे, तो ये मुझे मार नहीं सकते। उधर ब्रह्मा जी को ये चिंता थी कि हमारा काम है मारना, यानी वरदान देना। मारने वाले ने जब मारना होगा तो अपने आप युक्ति सोचेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हिरण्यकश्यप तपस्या करने गए थे, इसी दरमियान बीच की कथा सुनो। क्योंकि कयाधु गर्भवती थी, कयाधु गर्भवती थी। इंद्र को पता लगा कि हिरण्यकश्यप की पत्नी गर्भवती है, तो इंद्र ने जो है कयाधु का हरण किया। इंद्र ने हरण क्यों किया? क्योंकि इंद्र ने सोचा ये दैत्य की पत्नी है, दैत्य की पत्नी होने के कारण इसके गर्भ में ही दैत्य होगा, तो मैं उस गर्भ की हत्या कर दूंगा। इसीलिए इंद्र कयाधु को उठा करके ले जा रहा था। किसी प्रकार नारद जी को ज्ञात हुआ कि इंद्र तो बड़ा अत्याचारी है, कयाधु को उठा करके ले जा रहा है। और नारायण नारद जी जानते थे कयाधु के गर्भ में दैत्य नहीं, भगवान का भक्त है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो। किसी प्रकार नारद जी ने इंद्र से कयाधु का जो है छुड़ाया, उसको कयाधु को छुड़ा करके। लेकिन इंद्र की उस बुरी भावना को देख करके नारद जी को लगा के इसका विश्वास करना उचित नहीं है। इसीलिए नारद जी ने कयाधु को अपनी कुटिया पर रखा। गर्भ में पल रहे भक्त को देख करके, प्रहलाद को देख करके, उन्होंने गर्भ में ही अनेक शास्त्रों का भक्ति का रंग चढ़ा दिया। और जब हिरण्यकश्यप वरदान लेकर के आया, कयाधु आई, पुत्र का जन्म हुआ, खुशी हुई। भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ, खुशी होनी चाहिए। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है और उधर हिरण्यकश्यप का अत्याचार बढ़ना शुरू हो जाता है। कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई विष्णु की पूजा नहीं करेगा, कोई दान पुण्य नहीं करेगा, मैं ही ब्रह्म हूं, पूजा करनी है मेरी करो, यज्ञ करना है मेरा करो, जो कुछ भी करना है मेरे लिए करिए। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ, बालक बड़ा हुआ। बढ़ते हुए बालक को देख करके हर पिता को चिंता होती है कि हमारा बालक बड़ा हो रहा है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव भगवान।
की जय। बढ़ते हुए बालक को देखकर को पिता को चिंता हुई। उन्हीं के नगर में उनके गुरु रहते थे संडामर्क। अपने पुत्र को शिक्षा देने के लिए हिरण्यकश्यपु ने गुरुओं को बुलाया, जिनका नाम संडामर्क है, गुरुकुल में भर्ती कर दिया। भर्ती करने के बाद पढ़ाई शुरू हो गई। कौन सी पढ़ाई? क्योंकि भक्त प्रहलाद तो गर्भ में ही पढ़ के आए हैं, नारद जी ने पढ़ा दिए, अब तो खाना पूर्ति करनी है। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि हिरण्यकश्यपु के राज्य में सिलेबस अलग था, हर प्रांत का हर प्रदेश का सिलेबस अलग होता है कि नहीं, उसका अपना सिलेबस था। पढ़ाई शुरू हुई, महीना हुआ, महीने बाद बाप को चिंता हुई कि अब तो बेटे ने कोई पोयम याद कर ली होगी, जोनी जोनी यस पप्पा कुछ तो सीखा होगा। दूत को भेजा, पुत्र को बुलाया, गोदी में बिठाया, जो बेटा सुनाओ कुछ। बड़ी खुशी होती है माता पिता को जब जो है बेटा पहली बार कुछ सुना देता है, खुशी के लिए। लेकिन प्रहलाद जानते हैं कि मैं सुना तो दूंगा, और अगर मैंने सुना दी पढ़ाई तो मेरा पिता खुश होने वाला नहीं है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरी पढ़ाई से मेरा पिता खुश होने वाला नहीं है। बेटा सुनाओ। उन्होंने कहा पिताजी सुनाऊं? न्यू सुनाओ। श्रीमद भागवत के अंतर्गत वहां पर भक्त प्रहलाद ने जो पिता को सुनाया, वही जो है माता श्री राम यानी श्री राम ने शबरी को सुनाया था। नवदा भक्ति, नवदा भक्ति, नौ प्रकार की भक्ति का उपदेश किया। हाथ जोड़ करके कहने लगा पिताजी, भगवान नारायण की नौ प्रकार की भक्ति होती है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम आत्मसंख्य निवेदनम। आप कौन सी भक्ति करना चाहते हैं, कैसे नारायण को पूजना चाहते हैं? ये नौ प्रकार की भक्ति है। सरल सहज पहली भक्ति, कुछ नहीं आता ना तो सुनो, श्रवण कानों से सुनना। क्या सुनना? कथाएं सुनना, चरित्र सुनना भगवान के। अगर सुनने का समय नहीं है तो आप कीर्तन करो, जहां बैठे हो वहां करो। मंदिर मत जाओ जहां आपको लगता है कि मैं यहां बैठ करके कीर्तन करूंगा, तो आप कीर्तन करिए ताली बजा बजा करके। अगर कीर्तन भी नहीं कर सकते, आप दुकान पे इतने बिजी हैं, तो आप बैठे बैठे स्मरण करें। तीसरी भक्ति स्मरणम, स्मरण भी नहीं कर सकते, पाद सेवनम, जो घरों में माताएं सेवा करती हैं, ड्रेस बदलती हैं, बार बार लड्डू भोग लगाती हैं, ये सेवा करो। और अर्चनम वंदनम दास्यम आत्मसंख्य निवेदनम, अर्चना करिए विधि से, पंचोपचार षोडशोपचार शस्त्र शीर्षा पुरकः, इनसे आप पूजन भी कर सकते हैं, आत्मचिंतन भी कर सकते हैं। इस प्रकार हे पिता मेरे जो नारायण है ना, उनकी भक्ति करोगे तो जय जयकार हो जाएगी। नारायण का चिंता करोगे तो आपकी चिंता मुक्त हो जाओगे, क्योंकि नारायण तो चिंतन करने योग्य है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे पिताश्री, नारायण जिन नाम लिया तिन और का नाम लिया न लिया, गंगा जल पान किया जिनने तिन और का पान किया न किया। अगर आप नारायण नाम ले लोगे तो आपकी जय जयकार हो जाएगी। जो नारायण का नाम सुना, बाप को क्रोध आया, क्रोध में आकर के गोद में बैठे हुए अपने पुत्र को जमीन पर पटका। संडामर्क जो गुरुजी पुत्र को लेकर के आए थे, लेकर के तो यूं आए थे कि पोयम सुनाएगा हमारे सिलेबस की, तो हो सकता है राजा कुछ इनाम दे। लेकिन वहां इनाम नहीं, उलाहना मिला। वहां उलाहना मिला,
गुरुओं को कैसी शिक्षा दी है, ये कहां से पढ़ाया है। संडा मरकवी दंग रह गए, जो महाराज ये तो हमारी किसी किताब में ही है नहीं, नो भक्ति नारायण का नाम तक नहीं है, क्योंकि किताब पर मोहर तो आपकी लगी होती है ना, वो कैसे जो पास तो आप करते हो, तो सिलेबस से बाहर का कोर्स है, कहां से सीखा ये नहीं पता। दोबारा गुरुकुल में गए, पढ़ाई वैसे ही चलने लगी। राजा के बेटे हैं, स्वाभाविक है, बड़े घर का बेटा स्कूल में पढ़ता हो तो मॉनिटर कौन बनेगा, क्लास में एक मॉनिटर होता है कि नहीं। एमएलए एमपी का कोई बच्चा हो तो नेचुरल है, उसी को बनाएंगे, गुरुजी भी उसी को बनाएंगे। एक दिन की बात है, गुरु को कहीं जाना था स्कूल के समय में, और जब गुरु कहीं जाते हैं तो मॉनिटर उस क्लास को संभालता है। प्रहलाद को कहा, भैया देखना कुछ मत करना, तो पुराना पाठ रिवीजन कर लो, पुराना जो पढ़ाया है उसका रिवीजन कर लो। प्रहलाद ने कहा, महाराज पुराना कर लें। उधर गुरुजी गए बाहर, इधर प्रहलाद जी ने कहा, ठीक है अब गुरुजी की आज्ञा का उल्लंघन कैसे करें, वो तो पुराने वाला पाठ ही रिवीजन करें, और पुराना पाठ तो वही है जो नारद जी ने पढ़ाया हुआ है। बोल नारायण भगवान की। जो दैत्य बालक थे उन सभी दैत्य बालकों को आज प्रहलाद ने इकट्ठा करके सभी दैत्य बालकों से कहा कि देखो ये जीवन मिला है ना, अनमोल जीवन है। नरत्वम दुर्लभम लोके शरीराणी पुनः पुनः, ध्यान देना, ये मनुष्य योनि है ना बार बार नहीं मिलती, शरीर मिलेगा बार बार, लेकिन मनुष्य शरीर मिलेगा ये कोई गारंटी नहीं है। शरीर तो कुत्ता गधा हाथी सुअर कितनी 84 लाख योनियां हैं, शरीर तो कुछ भी मिल सकता है, लेकिन मनुष्य शरीर मिलेगा ये कोई जरूरी नहीं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा। दैत्य बालकों से प्रहलाद कह रहे हैं, सुर दुर्लभ, ये जो हमें मनुष्य योनि मिली है ना, ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है जो हमें प्राप्त हो गई है, और अगर प्राप्त हुई है तो प्रभु की कृपा से हुई है, इसीलिए यदि हम इसको सार्थक करना चाहें तो कैसे करें, भगवान की भक्ति का सहारा ले लें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। छड़भंगुर जीवन की कलिका, कल जाने को प्रात खिली न खिली, मलयाचल की सुच शीतल मंद समीर चली न चली, कल काल कुठार लिए फिरता तन नम्र पे चोट झिली न झिली। इसीलिए कहते हैं, भजले हरि नाम अरि रसना, फिर अंत समय में हिली या न हिली। ये जीव है ना, बाद में हिलेगी कि नहीं हिलेगी, धरी की धरी रह जाएगी। आज प्रहलाद दैत्य बालकों से कह रहे हैं, इसको हिला लो, इससे कुछ कर लो। क्या करें, क्या करना चाहिए? तब प्रहलाद कहते हैं, साधन करिए, क्योंकि मनुष्य शरीर किस लिए मिला है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये जो मनुष्य योनि है ना, साधनों का धाम है। साधन एकत्रित करिए, और साधन क्या है, साधन यही है कि हरि की चर्चा करिए, और सभी दैत्य बालकों को अपने ज्ञान के द्वारा भ्रमित करके नारायण के भजन में लगा लिया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
पूछा भैया नारायण का भजन तो करें, कैसे प्रसन्न करें? तो उन्होंने कहा कुछ मत करो, सरल साधन है, सहज साधन है, कोई ज्ञान का मार्ग नहीं, कोई योग का मार्ग नहीं, सरल साधन क्या है? हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जाप करो। सभी बालकों को खड़ताल दे दी, ढोलक नगाड़े दे दिए और नारायण नारायण हरे राम का भजन शुरू हो गया। अब भजन में इतने तल्लीन हो गए, दैत्य बालकों के ऊपर इतना भक्ति का रंग चढ़ गया, नाच रहे। इतने में गुरुजी का आगमन हुआ और जैसे ही गुरुजी ने क्लास में प्रवेश किया, नारायण के भजन को देख करके गुरु को क्रोध आया और क्रोध में आकर के गुरु ने प्रहलाद का हाथ पकड़ा झटका देने के लिए, बिठाने के लिए। लेकिन आज तो झटका उल्टा लग गया। वो भक्ति का रंग जैसे करंट नहीं लग जाता, एक को पकड़ो तो दूसरे के ऊपर आ जाता है, ऐसे ही आज जो वह 440 वोल्टेज का करंट गुरुजी महाराज को लगा और गुरुजी भी नाचने लगे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। होनी को कौन टाल सकता है? उसी दिन अचानक राजा के मन में भी विचार आया कि अब तो हॉस्टल में गए हुए बेटे को बहुत दिन हो गए, आज बेटे को फिर बुलाएं, अब तो पढ़ाई अच्छी की कर ली होगी। एक सिपाही को भेजा, सिपाही जाता है और सभी को नाचते हुए देख करके क्रोध में आकर के वो भी भक्त प्रहलाद को पकड़ लेता है। तो जैसे ही भक्त प्रहलाद का स्पर्श करता है तो उसके ऊपर भी भक्ति का रंग चढ़ जाता है, वो भी नाचने लगता है। देर हुई, राजा ने दूसरा सिपाही भेजा, जो जा रहा है वो आ नहीं रहा। राजा को चिंता हुई, स्कूल में ऐसा क्या हो रहा है, जा तो सब रहे हैं, मैंने इतने सिपाही भेजे लेकिन कोई वापस क्यों नहीं आ रहा। क्रोध आया राजा को और सोचा मैं स्वयं जा करके देखूंगा कि आज स्कूल में क्या हो रहा है। स्कूल में जा करके देखा, सभी दैत्य बालक नारायण की ध्वनि में लगे हुए हैं, कीर्तन कर रहे हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। नारायण के इस भजन को सुन करके आज हिरण्यकश्यप को क्रोध आया और क्रोध में आकर के भक्त प्रहलाद का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ करके जो झटका दिया, उस दैत्य को देख करके जो भी दैत्य बालक थे डर के मारे चुपचाप बैठ गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। डर गए और डरने के बाद क्रोध में आकर के भक्त प्रहलाद को खींचते हुए ले आए हॉस्टल से। इधर राजा परीक्षित को चिंता हुई, जो महाराज एक बात समझ में नहीं आई, भक्त प्रहलाद को जिसने छुआ सबके ऊपर भक्ति का रंग चढ़ा, गुरुजी के ऊपर, सिपाही के ऊपर, दूसरे पे, तीसरे पे, सब पे चढ़ा, लेकिन उसी प्रहलाद को जब हिरण्यकश्यप ने पकड़ा तो इसके ऊपर भक्ति का रंग क्यों नहीं चढ़ा, इसने नाचना प्रारंभ क्यों नहीं किया। सुखदेव जी कहते हैं राजन बात तो तेरी सही है लेकिन तू ऐसे तो समझेगा नहीं, मैं तुम्हारी भाषा में समझा देता हूं कि तुम कैसे समझोगे। बोल नारायण भगवान की। महाराज कौन सी भी भाषा में समझा दो लेकिन समझा दो हिरण्यकश्यप के ऊपर भक्ति का रंग क्यों नहीं चढ़ा। यो भैया इसीलिए नहीं चढ़ा, अब मैं समझाता हूं।
मान लो यहां बिजली है, स्विच भी लगा हुआ है, तार तूर भी ठीक ठाक है, सब व्यवस्था है और होल्डर भी लगा हुआ है, बल्ब है आपके पास, और जो बल्ब है ना वो फ्यूज बल्ब है, वो फ्यूज बल्ब है। अब बताओ आप स्विच ऑन करो अप करो, फ्यूज बल्ब पर जितनी बार मर्जी लगाओ लेकिन वो जलने वाला नहीं है, क्योंकि फ्यूज है ना। उन्होंने कहा महाराज समझ में नहीं आया, जो समझने को क्या रह गया, ये तो भक्ति के मामले में फ्यूज था, ये तो बिल्कुल शुष्क था, सूखा था, इसके ऊपर क्या भक्ति का रंग चढ़ेगा। अपने ऊपर जो भक्ति का रंग चढ़ता है ना, जो अपन नाचने लगते हैं, रोने लगते हैं, ये गाने लगते हैं या कथाओं में आ जाते हैं, तो समझ लो भगवत कृपा है तभी आते हैं। हमारे अंदर कहीं ना कहीं भक्ति है। किस प्रकार? हवा की तरह। हवा किसी ने देखी है? दिखती है, कितनी भी गर्मी हो लेकिन फिर भी हवा होती है, खुद को गर्मी लगती है अपने को, क्योंकि अगर हवा नहीं होगी तो प्राण का संचार नहीं होगा। उसी प्रकार ये इसके अंदर भक्ति का कोई लेस मात्र भी अंश नहीं था, इसीलिए सब लोग डर के मारे बैठ गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्त प्रहलाद को घर ला करके अनेक प्रकार के कष्ट दिए, जो नहीं देने थे वह भी दिए, पर्वत से गिराया, जहर पिलाया, हाथी के नीचे कुचलवाया, फागुन के महीने में होली से जलवाने का प्रयास किया, क्या नहीं किया। लेकिन कहती है ना कि जाको राके साईया ओ मार सके ना कोई, बाल नबा का कर सके जो जग बैरी हो। सारे उद्यम व्यर्थ हो गए, क्योंकि परमात्मा की कृपा थी। क्रोध आया एक दिन, खड़ा कर लिया गरम गरम खम्मा लोहे का, लाल करके खड़ा कर दिया और कहा कि भाई क्या तेरा भगवान इसमें है, कहां है तेरा भगवान। हाथ जोड़ के कहा पिताजी मेरा भगवान है कहानी आप ये बताइए। म्यान में से तलवार निकाली, कहा नहीं है। प्रहलाद कह रहे हैं मुझ में तुझ में खड़ग खम्भ में, मेरे अंदर, आपके अंदर, आपकी तलवार के अंदर और इस खम्भे के अंदर भी नारायण है। बोल नारायण भगवान की जय। कल लो बात, भगवान ने सोचा लो अब ये कह रहे हैं हम खंबे के अंदर हैं। अब हम तो खंबे के अंदर होते नहीं पर घुसना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि भक्त ने कहा है, भक्त कहे सोई करूं निरंतर, बेके तो बिक जाऊं, खंबा तो ईंट गारे का बनता है, खम्भे में परमात्मा नहीं होते। और देखें देखो कैसा प्रमाण मिलता है, आज भक्त के लिए खंबे से निकलने के लिए तैयार। जैसे ही कहा कि मुझ में तुझ में खड़ग खम्भ में, महाराज आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, आपकी तलवार के अंदर भी है और इस खम्भे के अंदर भी है। उसी समय क्रोध आया हिरण्यकश्यप को, तलवार से सोचा यदि तेरा परमात्मा इस खम्भे के अंदर है तो मैं उसकी अभी हत्या कर दूंगा, और तलवार लेकर के खंबे के ऊपर प्रहार करने के लिए तैयार। हिरण्यकश्यप कहता है कि क्वासौ यदि सर्वत्र कस्मा स्तंभे न दृश्यते, यदि तुम्हारा नारायण नारायण सर्वत्र है तो इसमें दिखाई क्यों नहीं देता, दिखना चाहिए। मैंने कहा पिताजी ऐसे कैसे दिख जाएगा, ये चश्मा तो उतारो। कौन सा चश्मा? अज्ञान का, अहंकार का, ममता का, मोह का। आपकी आंखों पर जो चश्मा लगा है ना, हैं? तब तक जो है ये परमात्मा दिखाई नहीं देगा। अंतर के पट खोल तो पिया मिलेंगे,
अगर प्रियतम से मिलना है ना तो बहुत कुछ अंदर का खोलना पड़ेगा, बहुत कुछ खाली करना पड़ेगा, तब परमात्मा का दीदार होता है। इतने प्रवचनों को सुन करके क्रोध आया, म्यान में से तलवार निकाली और उस खंभे पे प्रहार किया। आज गड़गड़ाहट की आवाज हुई। आज निराकार वाले परमात्मा भक्त की रक्षा के लिए या भक्त की बात का मान रखने के लिए नरसिंह भगवान के रूप में खम्भे से प्रकट हो गए। बोल नरसिंह भगवान की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। और गुरु गुरु शब्द कह करके नरसिंह भगवान प्रकट हो। भगवान का प्रकट हुआ, भक्त ने हाथ जोड़े, लेकिन उसी समय भगवान ने तुरंत क्षण मात्र में तलवार छीनी और हिरण्यकश्यप को उठाया और देहली पे ले जा करके उठा करके अपनी गोद में बिठाया। और बिठाने के बाद एक ही बात कही, भैया निकालो अपनी लिस्ट। केड़ी लिस्ट? ब्रह्मा जी वाली बनी रखी होगी आपकी, हम ऐसे नहीं मरे वैसे नहीं मरे। ब्रह्मा जी को दोष मन देना, निकाल लो अपने जो भी वरदान मांगे थे और हमारी ओर देख लो कि हम कौन हैं और कुछ भी नहीं है। और उसी समय सारा याद दिलाया, देखो ना सुबह है ना शाम है, ना तुम अंदर हो ना बाहर हो, देहली में हो, ना अस्त्र है ना शस्त्र है, ना नर है ना नारी है। सारे वरदानों को पूरा करने के बाद भगवान ने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का शरीर विदीर्ण कर दिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। और श्रृंगार हो गया, लेकिन अंत तो गत्वा भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। देवता लोग हाथ जोड़े खड़े हैं, दूर पास में कोई नहीं जा रहा, कौन जाए, भय लग रहा है। क्योंकि भगवान आज क्रोध में है तो क्यों है, क्योंकि उनके भक्त को सताया गया है, भक्त पर भीड़ आई है, भक्त पर कष्ट आया है, वो भगवान कभी सहन नहीं करते। अंत तो गत्वा देवताओं ने प्रहलाद को ही भेजा के जाओ चरणों में, तुम्हारे लिए आए हो आए हैं और तुम ही जाकर के इनके क्रोध को शांत करो। भक्त प्रहलाद चरणों में गिरे, भगवान ने हृदय से लगाया उठाया और वरदान मांगने को कहा। लेकिन भक्त प्रहलाद धन्य है, उन्होंने कहा महाराज हमें कोई अपेक्षा नहीं है, हमें इतनी अपेक्षा है कि हमारे पिता ने आपके प्रति इतना दुराग्रह किया, हमारे पिता की उद्दंडता के कारण आपको आना पड़ा, यही कष्ट है, लेकिन फिर भी चाहेंगे मेरा पिता तो पिता ही है, बस इनका उद्धार हो जाए। भगवान ने कहा अभी भी शक है, अभी भी संदेह है कि इनका उद्धार हो जाए। मैंने तो पहले ही कह रखा है कि सन्मुख हो जीवम जब ही जन्म कोटि अगनाशय तबही। जब जब जीव मेरे सामने आ जाता है ना तो करोड़ों जन्मों के पाप तो तुरंत जल करके राख हो जाते हैं। और तेरे पिता तो मेरा सामने भी आया है और मैंने मारा भी है, तो इसे नरक नहीं स्वर्ग नहीं मोक्ष मिलेगा, क्योंकि इसका मैंने उद्धार किया है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार फिर भक्त प्रहलाद ने अनेक प्रकार से स्तुति की, बड़ा आनंद आया। और भगवान की हर व्यापक सर्वत्र समाने वाली पद्धति को देख करके उन्हें ज्ञान हो गया। और ज्ञान देने के बाद भगवान अंतर ध्यान हो गए और सबने मिल करके नरसिंह भगवान की जय जयकार की। बोल नरसिंह भगवान की जय। आइए अपन लोग भी दो बार प्रेम से प्रभु का नाम ले लें, फिर चरित्र को आगे बढ़ाएंगे। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तूने ही मुझे
सोना तेरी अखियां हैं जादू भरी, तेरी अखियां हैं तुमसे लड़ी बिहारी जी मैंने कब से करी, अखियां हैं जादू भरी बिहारी जी मैं कब से करी। एक महात्मा जी थे, उन्हें कीड़ियों की भाषा आती थी, कीड़ियों की। अंतिम समय आया तो सोचा ये भाषा का ज्ञान किसी को दे दे। एक शिष्य था, रोज सेवा करने आता था। उन्होंने कहा भैया ये भाषा का ज्ञान है, ये तू ले ले, लेकिन ये जिस दिन इसको तू किसी को बता देगा उस दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। शिक्षाप्रद कथा है, श्रवण करें। संत जी मर गए, भाषा का ज्ञान उस व्यक्ति को हो गया, महानुभाव को। अब कीड़ियां आपस में कुछ भी बात करें तो उसे पता लग जाया करे कि कीड़ियां क्या कर रही है। एक दिन की बात है, वही पति पत्नी भोजन करने बैठे। जब भोजन कर रहे थे थाली में अलग अलग, तो दो कीड़ियां आई। एक कीड़ी ने पत्नी की थाली में से चावल का दाना उठा करके पति की थाली में रख दिया, तो दूसरी कीड़ी थी वो सत्संगी थी, उसने कहा कि देख तूने अच्छा नहीं किया, तूने अच्छा नहीं किया। क्यों अच्छा नहीं किया? इसीलिए अच्छा नहीं किया कि तूने पत्नी की थाली में से पति में रखा है, पति की थाली में, तो इस पत्नी को पाप लगेगा। ये बातें कर रही थे कीड़ियां। इन बातों को सुनकर के पति को हंसी आ गई। हंसी आई तो हंसी का कारण पत्नी ने पूछा, भैया तुम क्यों हंसे, क्या कारण है? कह नहीं नहीं वैसे ही हंसी आ गई। उन्होंने कहा भोजन के समय कौन हंसता है, कोई ना कोई तो कारण रहा होगा जिससे आपको हंसी आई। लेकिन उसने हंसी का कारण नहीं बताया, तो उधर पत्नी ने कहा अब तो बताना ही पड़ेगा कि तुम क्यों हंसे।
अब पति फंस गया, बतावे तो कैसे बतावे? अगर बताता है तो मृत्यु होती है। पति कहता है कि अगर मैंने कारण बता दिया तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। पत्नी कहती है कि कल नहीं अभी हो जाए, लेकिन हंसने का कारण बताओ आप क्यों हंसे? बिना कारण के कोई सहयोग नहीं, क्योंकि वहां तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब हट जो ठहरी, तीन हट बड़ी प्रबल है ना हमारे यहां, बाल हट, राज हट और तीसरी हट तो हम बताते नहीं, बोलो जय श्री कृष्ण, क्योंकि हमारी कथा ही उनके जरिए चलती है। अब वो हट हो गई, हट के कारण बताए, उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए बताना ही पड़ेगा। अब बंदे ने सोचा अब बताऊंगा तो मृत्यु होगी, तो मरना ही है तो काशी में मरो। तो कहता अच्छा चलो काशी में जाकर के मैं बताऊंगा कि मैंने क्यों हंसा। अब दोनों पति पत्नी काशी के लिए चल दिए, पोटली में खाना पानी बनाया और बना करके चल दिए। रास्ते में शाम हुई, एक कुआ मिला तो कुआ के किनारे उन्होंने सोचा पानी की व्यवस्था है, यहाँ अब भोजन कर लेते हैं और शाम हो गई है यही समय पास करेंगे। और एक पेड़ के छाया में बैठ करके कुएं से पानी लाए और दोनों पति पत्नी भोजन कर रहे थे। इतने में उन्हीं के पास एक बकरा बकरी यानी वो भी पति पत्नी थे जोड़ा। बकरी बकरे से कहती है ए जी सुनते हो, ध्यान देना कि हम महाराज कहो जो ए जी सुनते हो। गर्मी के दिन थे ना, जो बहुत दिन हो गए हरी हरी घास नहीं खाई क्योंकि सूख जाती है ना घास। आप कोई व्यवस्था करो, जैसे आज की पत्नी पति से कहे कि फलानी दुकान के समोसे नहीं खाई है? आज वही बकरी कहती है कि महाराज बहुत दिन हो गए हरी हरी घास नहीं खाई। उन्होंने कहा देवी अब है ही नहीं तो मैं कहां से लाऊं? जो देखो जी मैंने घास तो देखी है, अगर आप ला सको तो जो बता कहां है। जो वो कुआ है ना, तो कुआ में से तो लोग पानी खींचते रहते हैं, तो पानी गिरता भी है ना खींचते समय, तो उसके किनारे किनारे पे हरी हरी घास लगी हुई है, वो ले आओ। उन्होंने कहा देवी तूने तो कह दिया कि घास ले आओ, और घास के चक्कर में मेरा कहीं पैर फिसल गया तो? अगर मेरा पैर फिसल गया तो क्या बनेगा? उन्होंने कहा साडे वास्ते यानी हमारे लिए आप इतना नहीं कर सकते, हमारे लिए इतना नहीं कर सकते। बकरे ने तेवर बदले, जो ऐसे काम चलने वाला नहीं है मालूम है। और ध्यान देना वही पेड़ के नीचे वो दंपति भी बैठा है जो काशी जा रहा है, और उधर बकरा अपनी बकरी से कहता है देख मैं इस जैसा मूर्ख नहीं हूं, ये जो बंदा जा रहा है काशी में इस जैसा मूर्ख नहीं हूं जो पत्नी के कहने से मरने के लिए तैयार हो गया है। मैं घास बास नहीं लाता, तू माने न मान, ते कहने का भाव बकरा ज्ञान दे रहा है ये शरीर मरने के लिए नहीं मिला, किसी के ऊपर कुर्बान होने के लिए नहीं मिला है, ये साधन करने के लिए मिला है। ये साधनों का धाम है, मोक्ष का द्वार है, साधन जुटाइए। साधन जुटाएंगे तो जीवन धन्य बनेगा, साधन जुटाओगे तो जय जयकार होगी, भोगों से बैराग्य लोगे तो जय जयकार होगी, मन की इच्छाओं का दमन करोगे तो जय जयकार होगी, तो मनुष्य जीवन धन्य बन जाएगा। बकरे की बात को सुनकर के वो बंदा भी हौसले में आ गया। ओ उन्होंने कहा देख तूने जो करना है आज कर, मैं क्यों हंसा ना तो मैं आज बताऊंगा ना कल बताऊंगा ना कभी नहीं बताऊंगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ये जो शरीर मिला है ना ये बड़ी मुश्किल से मिला है, संसार में कोई किसी का नहीं है। इसी के साथ सुंदर सी कथा आती है महाराज गज और ग्रह की। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।
गज ग्रह की कथा के कारण ही मैंने बकरा बकरी की कथा सुनाई, ध्यान से देना। हरि का स्मरण किया और हरि का स्मरण करोगे तो जय जयकार होगी। हरि शब्द का अर्थ क्या है? हरिम हरत पापानी। हरि का स्मरण करोगे तो आपके पापों का नाश होगा, हरण होगा, इसीलिए हरि 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 किया करिए। सुखदेव जी कहते कि हे राजन, एक त्रिकूट नाम का पर्वत है, एक त्रिकूट नाम का पर्वत है और वहां एक बहुत बलवान हाथी रहता है। उस बलवान हाथी की अनेक पत्नियां हैं और अनेक बच्चे हैं, वैभव घर परिवार खानदान कुटुंब बहुत बड़ा है, विशाल है। आनंद से रह रहे हैं। अब इस कथा को पहले शॉर्टकट में समझ लो। त्रिकूट पर्वत क्या है? ये शरीर ही त्रिकूट है, पता नहीं वो गज था कि नहीं, ग्राहक था कि नहीं, लेकिन मैं और त्रिकूट पर्वत है कि नहीं मुझे नहीं पता, मैं नहीं देख के आया, लेकिन हमारे शास्त्र जो हमारे विद्वान लोग कहते हैं वो क्या समझाते हैं, ये त्रिकूट पर्वत कोई और नहीं, ये शरीर ही त्रिकूट पर्वत है। काम क्रोध लोभ तीन चीज हो गई कि नहीं, यही तो इसमें भरे हैं और जहां ये भरे हों वही तो त्रिकूट कहलाता है। ये शरीर ही त्रिकूट पर्वत है और ये संसार ही सरोवर है और हाथी नहीं, ये जीव ही हाथी है। ये जो अपना जीव है ना, हम ही हाथी है और जो अपनी अनेक इच्छाएं हैं यही अपनी पत्नियां हैं। ऐसा कर लो वैसा कर लो, कथा में जाए कि न जाए वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, जो अब तमाम इच्छाएं होती है यही अपनी पत्नी। और काल रूपी जो मगरमच्छ है ना, वो काल ही मगरमच्छ है, समझ गए? अब ना कोई त्रिकूट है, अब तो कथा सुननी है, कथा सुन लो। महाबलवान हाथी रहता है, गर्मी के दिन है, एक समय की बात है, वही महाबलवान हाथी अपने परिवार विद फैमिली, यहां भी बनाया ना छोटा सा, बस लायंस क्लब के सामने वाली गली में मुड़ के क्या बोलते हैं उसको, पुल बोलते हैं। हाँ, महाबलवान हाथी अपने परिवार समेत जल क्रीड़ा करने की इच्छा से सरोवर में गया, सरोवर में गया और जैसे ही सरोवर में जल क्रीड़ा करने लगा, सुख का अनुभव करने लगा, तो कहते हैं सुख के साथ ही दुख बंधा हुआ है। सुख के जो है समय पता नहीं लगता कितनी जल्दी निकल जाता है, और सुख है तो दुख है, क्योंकि सुखी व्यक्ति को ही दुख का आवास होगा। कोई व्यक्ति बड़ा हो, धीरे धीरे चलो पार्टी फेल हो जाए, तब उसको पता लगता है कि ये दुख होता है। एसी के बिना दुख होता है, कार के बिना दुख होता है, अगर उस पर दुख नहीं आया तो कैसे पता लगेगा कि दुख क्या होता है। समय सुख का गया, इतने में सुख के कारण कब व्यतीत हो गया, कब गुजर गया समय, भान नहीं हुआ, आवास नहीं हुआ, इतने में मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। काल रूपी मगरमच्छ ने पैर पकड़ा, परिवार वालों ने प्रयास किया बचाने का, खींचा ताने शुरू हुई, हाथी आगे ऊपर खींचता है और मगरमच्छ नीचे खींचता है। ऐसा नहीं है कि हाथी कमजोर है, 10,000 हाथियों की ताकत है, बीवी बच्चे साथ हैं, सबने प्रयास किया, पत्नियों ने भी प्रयास किया पति को छुड़ाने का, बच्चों ने भी प्रयास किया पिता को छुड़ाने का, लेकिन छुड़ा नहीं सके। और अंत तो गत्ता वही पत्नियां जो कसमें खाती थी साथ जिएंगे साथ मरेंगे, वो छोड़ छोड़ के चली गई। बोलो जय श्री कृष्ण, बहाना लगाया, देखो जी आप निपट के आ जाना, हमें तो घर में काम बहुत है। बच्चे भी छोड़ करके चले गए,
अकेला रह गया बंदा, हाथी अकेला रह गया गज। आज अकेले होने पर आवास हुआ कि स्वार्थ का संसार रहने का सपना है और किसे करे तू प्यार कोई नहीं अपना है। आज पता लगा कि पत्नी तक साथ छोड़ जाती है, आज पता लगा बेटा तक साथ छोड़ जाता है, निराधार हो गया, अकेला रह गया। युद्ध चल रहा है, खींचा तानी, एक महीने तक युद्ध चला, लाचार हुआ। महाबलवान हाथी जीत सकता था लेकिन ताकत है, लेकिन अभी उसकी ताकत काम नहीं कर रही। देखो एक बात याद करो, सबका अपना अपना क्षेत्र होता है। कहते हैं ना अपने द्वार पे तो कुत्ता भी बलवान होता है, मगरमच्छ में ज्यादा शक्ति नहीं है, हाथी से शक्ति ज्यादा तो है ही नहीं, लेकिन क्षेत्र किसका है, युद्ध कहां हो रहा है, जल में। हाथी अपनी शक्ति का प्रदर्शन तो कर सकता है लेकिन कहां, थल में, जमीन पे। और युद्ध हो रहा है जल में, क्षेत्र किसका है, मगरमच्छ का, और जिसका क्षेत्र होगा जीत उसकी होगी। आज असहाय है, बेबस है, युद्ध हो रहा है, जब निराधार देख लिया कोई सहारा नहीं है, तब उसने प्रभु की शरणागति को स्वीकार किया। बोलो जय श्री कृष्ण। हरि को स्वीकार किया, सारे सहारे छोड़ के जाते हैं, और भगवान का तो लक्ष्य है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। भगवान आते हैं लेकिन कब तक नहीं आते, जब तक हमें अपनों पर सहारा है, विश्वास है। हमारे वो ये लगे हैं, हमारे ये रिश्तेदार वो लगे हैं, जब तक इनका जो हमें बल है तब तक परमात्मा नहीं आते। आज गज को लगा के अब कोई नहीं है, तब उसने पुकारना शुरू किया, बोल वृंदावन बिहारी लाल, ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नदलाल समरिया मेरे, सहारा बिन तेरे, नदलाल समरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नदलाल समरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नदलाल समरिया मेरे। Yeah.
पास में कस के, वो ममता के पास में कस के, दुख पाए दुख पाए दुख पाए नाथ गणेरे, नंदलाल सबरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सबरिया मेरे, 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 कोई ना कोई ना मेरा, कोई ना कोई ना मेरा, कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सबरिया मेरे, कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सबरिया मेरे, नंदलाल सबरिया मेरे, नंदलाल सबरिया मेरे, हारे के सहारे की जय, ये बांके बिहारी लाल की जय, बोल सदगुरुदेव भगवान की जय, निराधार होकर के भगवान की स्तुति की, और जैसे ही स्तुति की तो भगवान नंगे पांव दौड़े, कमल आया, भगवान को कमल का फूल अर्पण किया, कमल तो मान लो ऐसे आ गया हो जैसे पहले ही रखा हो, बोलो जय श्री कृष्ण। शंका होती है कि अचानक विपत्ति आई तो कमल आ गया, ध्यान देना ये स्तुति का प्रभाव है, वहां कमल कहां था, युद्ध के चक्कर में कमल तो वैसे ही कुचल जाएगा, बचेगा कमल का फूल, लेकिन भगवान का संकल्प है पहले मैं कुछ लेता हूं तब कुछ देता हूं, पहले लेता हूं तब कुछ देता हूं, तो इसमें देने के लिए तो कुछ है नहीं, बीबी बच्चे भाग गए, क्या देगा ये, असहाय है, इसीलिए भगवान आज ध्यान देना कमलवासिनी लक्ष्मी को चिंता हुई, बोलो जय श्री कृष्ण। ये लक्ष्मी कमल कहां से आया, जो कमल आया है ना, आज भक्त के ऊपर भीड़ पड़ी, भगवान के भक्त के ऊपर कष्ट आया तो लक्ष्मी जी को चिंता हुई, और लक्ष्मी जी ने पहले कमल दिया, कह ले भैया तेरी व्यवस्था कर दी, ठाकुर जी को अर्पण कर, और वही कमल ठाकुर जी को अर्पण किया, और तुरंत भगवान नंगे पैर दौड़े, और नंगे पैर दौड़ करके सबसे पहले सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का वध कर दिया, उद्धार कर दिया, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। फिर गज का कल्याण किया, ध्यान देना सुदर्शन मतलब कोई बड़ी भारी चक्र आता है, ध्यान से सुनो कथा बड़ा आनंद आएगा, सुदर्शन का मतलब होता है अच्छा दर्शन, अच्छा दर्शन, कोई बड़ी भारी वो चक्र नहीं घूमता के वो चक्र आ जाता के सिर अलग कर देता है, और जब अच्छे दर्शन हो जाते हैं तो वैसे ही उद्धार हो जाता है, और अच्छे दर्शन किसके होते हैं, हमारे तुम्हारे तो होते नहीं, अच्छे दर्शन तो परमात्मा के ही होते हैं, आज काल रूपी मगरमच्छ को पर आते हुए परमात्मा के दर्शन हुए तो उद्धार हुआ, तो जय जयकार हुए, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसीलिए काल के मुख से मुक्त कब होंगे, जब हम सुदर्शन करेंगे, यानी अच्छे दर्शन करेंगे तो हमें काल रूपी मगरमच्छ नहीं सताएगा, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये तो मन की भ्रांति है, ये मन की भ्रांति है, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, और आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, लेकिन हम दूसरे को सुधारने में लगे हैं, खुद सुधरें या ना सुधरें। मन की भ्रांति है कि जो वह 10,000 हाथियों का बलता बड़े भोग भोगे, अनेक पत्नियों का पतिता बड़े भोग भोगे, लेकिन भोगे तो वो कहां है, अब कहां है वो भोगने वाला, भोग तो है
तो भोग कोई भोगता नहीं, भोगों भोग ही उसको भुगत देते हैं। शास्त्र कहते हैं भोगा न भोगता वयमेव भोक्ता, कालो न याता वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। ये संसार उल्टा है ना, उल्टा सोचता है। हर बार कथा में बताया करता हूँ, आदमी ट्रेन में बैठेगा, 10-20 आध घंटे बाद कहेगा बठिंडा आ गया, बठिंडा आ गया, बठिंडा आ गया। अरे भाई बठिंडा कहाँ गया था, बठिंडा कहीं गया है? पढ़ा लिखा आदमी मूर्खता वाली बातें करता, ये नहीं कहता कि हम ट्रेन में बैठ करके बठिंडा आ गए। बठिंडा तो कहीं नहीं जाता, दिल्ली कहीं नहीं जाती, न आती न जाती, लेकिन दिल्ली निकल गई, बठिंडा आ गया, आगरा निकल गया, ग्वालियर आ गया। बॉम्बे तक आदमी को चैन नहीं पड़ेगा, किसी को निकालेगा और ये नहीं कहेगा कि हम ही पहुंच रहे हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भोगा न भोक्ता वयमेव भोक्ता, लोग ही कहते बड़ा माड़ा हुआ फलाने का काल आ गया। अरे भैया काल कहाँ गया था, काल कहीं नहीं गया, हम काल की ओर भाग रहे हैं। हर पल हमारी मृत्यु हो रही है, मिनट मिनट पे जो पल आज के निकल गए, कितनी तारीख है आज, चार तारीख, नौवां महीना, दसवां महीना 2023 अब अपने जीवन में आएगी। चार तारीख के अब शाम के 4 बजेंगे अपने जीवन में, नहीं बजेंगे तो समझ लो इतनी हमारी मृत्यु हो गई। इसीलिए कहते हैं भक्ति में मन नहीं करता, नहीं लगता तो मृत्यु देवता को याद करो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, तृष्णा कभी जीर्ण नहीं होती। बड़े बड़े आए चले गए, धन सिकंदर का यहाँ सब रह गया, मरते वक्त लुकमान भी यह कह गया, यह घड़ी हरगिज न खाली जाएगी और जब तेरी डोली निकाली जाएगी। सिकंदर जैसे चले गए कल्लो बात, अपन तो किस खेत की क्या है, किस खेत की मैं तो कहता नहीं, बोलो जय श्री कृष्ण। तो अपनी तो कोई गिनती नहीं है, जब ऐसे ऐसे चले गए मानधाता राजा, प्रतुजा जैसे, सगर जैसे राजे महाराजे चले गए, वो तब भी भोगते और आज भी भोगे। भोगों का नाश नहीं होता, भोगों को भोगने वाले का नाश हो जाता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए शीघ्र ही गजेंद्र का गज का उद्धार हुआ। प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए सुंदर लीला आती है समुद्र मंथन, क्योंकि अमृत पान करना है। किस किसने करना है अमृत पान, हाँ बोलो जय श्री कृष्ण। अरे चौथा दिन है, रोज अमृत ही पान कर रहे हो। ये अमृत जो ये वाला जो अमृत है ना, ये तो जो है काम का नहीं है, ये अमृत तो करेगा, लेकिन ये जो अमृत आपको मिल रहा है, जब कथा प्रारंभ हुई थी श्लोक नहीं पढ़ा मैंने, लेकिन बताया था सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागतः। परीक्षित राजा को सुखदेव जी कथा सुनाने के लिए जब प्रारंभ कर रहे थे ना, तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए। कौन सा अमृत, ये जो निकलने वाला है अभी। और सुखदेव जी से कहने लगे, लो जी महाराज जी, ये राजा मरने से डर रहा है ना, तो इसको ये वाला अमृत पिला दो और हमें ये अमृत दे दो। कौन सा, जो पावन धाम के प्रांगण में बाबा बंसी वाले की कृपा से जो रोज अमृत धारा चल रही है, इस अमृत धारा को पान हमें कराइए, कथा रूपी अमृत। ये सत्य घटना है, देवता आए इतना बड़ा कलश लेकर के अमृत से भरा हुआ ऊपर लवालब, ते कहने लगे राजा को पिला दे दीजिए। सुखदेव जी ने कहा भैया ये तो इससे पूछो, सौदा इससे करो ना, कथा कराने वाले तो ये हैं बंसी वाले बाबा के भक्त, इनसे पूछो कौन सा अमृत पान करोगे, कथा रूपी अमृत पान करोगे या ये अमर होने वाला अमृत पान करोगे। भक्तों से पूछा, लेकिन हमारे जैतो मंडी के भक्त कितने परोपकारी दयालु और ज्ञानी हैं, उन्होंने देवताओं से कहा तुम अपना कलश ले जाओ वापस, हमें तुम्हारे कलश वाले अमृत की जरूरत नहीं है। को काच को मड़ेर महान, कांच की और मणि की कभी तुलना नहीं की जाती, कांच की और मणि की कभी तुलना नहीं की जाती। हमें इस अमृत की जरूरत नहीं है, हमें तो कथा रूपी अमृत की जरूरत है जो हमारा बेड़ा पार कर देगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।
इसी श्लोक से हमें लगता है कि जो चीज हमें मिल रही है आज, जो चीज हमें सुलभ है देवा नाम पे दुर्लभम, वो देवताओं के लिए दुर्लभ है। अगर स्वर्ग में ये कथा होती तो वो अमृत कलश लेकर के क्यों आते? आते अब जहां चीज नहीं मिलती है तभी अगर बंदा बाहर लेने जाता है। इसीलिए हमें तो ये अमृत पान करना है। ये अमृत पान जो निकलने वाला है ना, ये तो देवता देवताओं की लड़ाई का कारण बनेगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक समय की बात है, राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज समुद्र मंथन कैसे हुआ? उन्होंने कहा करने से हुआ। भाई क्या उद्यम हुआ, क्या विधि बनी? सुखदेव जी कहते हैं कि राजन एक दिन की बात है, महाराज इंद्र जो देवताओं के राजा है इधर उधर घूम रहे थे। अचानक रास्ते में दुर्वासा ऋषि जी से मुलाकात हो गई। दुर्वासा जी ऋषि के स्वभाव को तो जो पढ़े होंगे वो जानते ही होंगे कैसे हैं दुर्वासा ऋषि। मुलाकात हुई, दुर्वासा ऋषि मन दुर्वासा ऋषि जी के मन में ध्याई के चल देवताओं का राजा है। उनके पास ऐसी ऐसी एक माला थी, उन्होंने माला ली और इंद्र के गले में डाल दी। अच्छी बात है, चलो इंद्र का सम्मान हुआ, लेकिन आगे वाला भी तो माला का सम्मान करना जानता हो, ऋषि का प्रसाद है। इंद्र के गले में माला डाली, इंद्र ने अपने गले में से उतार करके जिस हाथी पर घूम रहे थे, ऐरावत हाथी है उनके पास, उन्होंने उन हाथी के गले में डाल। जो महाराज अब कुछ तो करो, अब तुमको अमृत पिलाएंगे। भगवान कह रहे कहा देव महाराज जल्दी ले आओ। होते देवता ज्यादा चंगे होते, मत पढ़ना भगवान के चक्कर में पढ़ो, भगवान को पाने की चेष्टा करो। ले आओ अमृत। भगवान ने कहा ये अमृत ऐसे नहीं मिलेगा, कोई भी वस्तु लेने के लिए उद्यम करना पड़ता है। यो महाराज उद्यम क्या करें बताइए। यो अब समुद्र मंथन होगा। अच्छा समुद्र मंथन तो शक्ति वालों से होगा, जिसके अंदर शक्ति होगी। भगवान ने कहा इस कार्य में तुम्हें दैत्यों का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि भगवान जानते हैं इनसे तो कुछ बनेगा नहीं, इनमें तो ताकत है नहीं। ताकत किस में है? दैत्यों में। क्यों? क्योंकि दैत्य ना तपस्या करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, और शक्ति वहां होती है जहां ब्रह्मचर्य का पालन होता है। ये भगवान जानते हैं, दैत्य मारे नहीं होते। वो तो जब उन पे पद या गरुड़ किसी चीज का आ जाता है तब मारे बन जाते हैं। समुद्र मंथन के लिए उद्यम किया गया, देवताओं से कहा कि दैत्यों से हाथ मिलाइए। देवताओं ने कहा इतने मारे दिन आ गए, अब दैत्यों के पास जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा मतलब के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। चलो गए, राय हुई, समुद्र मंथन की तैयारी हुई। वासुकी नाग को रस्सा बनाया गया, मंदराचल पर्वत को बुलाया गया। जब मंथन का समय आया, पाप में किया हुआ कार्य, छल से किया हुआ कार्य, कपट से किया हुआ कार्य कभी सफल नहीं होता। बोलो जय श्री कृष्ण। आज उद्यम हो रहा है, लेकिन देवता और दैत्यों के अंदर दोनों के अंदर पाप है। मन में क्या है? यही है कि एक बार निकले तो सही, कब्जा तो अपना ही है। देवता सोच रहे हैं कब्जा अपना हुआ क्योंकि अपने साथ भगवान है, और दैत्य सोच रहे हैं एक बार निकले तो सही, कब्जा तो अपना हुआ क्योंकि हमारे अंदर शक्ति है, पावर है। ये कर क्या लेंगे? समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ,
और जैसे ही समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ महाराज, सबसे पहले हलाहल विष निकला। बोल शंकर भगवान की जय। सबसे पहले बुराई निकलती है, विष की दुर्गंधी देवताओं से सहन नहीं हुई। क्या करें क्या करें, प्याला विष का निकला। तब सबने भोले बाबा को याद किया, भोले शंकर भगवान की जय। और उस विष के प्याले को लेकर के सब शंकर भगवान की भोलेनाथ की शरण में कैलाश पर्वत की ओर जा रहे हैं। अरे भोले बम बम भोले, भोले बम बम भोले, भोले बम बम भोले, भोले बम बम भोले। का प्याला रखा, विष को कौन पचा सकता है? विष को वही पचा सकता है जिसके मस्तक पर ज्ञान गंगा बह रही है। बोल गंगा मैया की जय। जय हो जय हो। विष मतलब क्या? बुराई। बुराई को पचाने के लिए ज्ञान चाहिए। अज्ञान व्यक्ति तो तुरंत जो है प्रतिकार कर देता है या बदले की भावना से करता है। भोलेनाथ ने प्रभु राम का नाम लेकर के विषपान किया और समाज में संसार में नीलकंठ नाम से विख्यात हुए। बोल नीलकंठ भगवान की जय। और आगे मंथन हुआ और मंथन करते करते 14 रत्न निकले। कितने निकले? 14। सीमड़ रंबा बारुणी अमी शंख गजराज और कल्पद्रुम सस्य धैनु धनु धनवंतर विषबाज। 14 रत्न निकले और सब आपस में दैत्यों के लिए, दैत्यों को अच्छा लगा, वो दैत्यों ने लिया, देवताओं ने लिया, काम धैनु गाय ने लिए और ऋषियों के मिलिया, एरावत नाम का हाथी ने मिला, वो जो है इंद्र ने ले लिया। ये सब बंटवारा होते होते अंत में अमृत का कलश निकला। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। धन्वंतरी महाराज अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। जो मन में लग रहा था, जो मन में था, वो भाव प्रकट हो गया। दैत्य शक्तिशाली थे, दैत्यों ने अमृत को कलश को छीन लिया देवताओं से। छीनने के बाद भी शांति नहीं मिली तो दैत्य लोग एक दूसरे, जो ज्यादा ताकतवर था, एक दूसरे से छीनने लगे।
इस क्रिया को देख करके भगवान को लगा कि हमें तो ऐसा लगता है ये जो अमृत न देवताओं का रहेगा न दैत्यों का रहेगा, क्योंकि छीना झपटी में घड़ा नीचे गिर जाएगा और सारा का सारा अमृत मिट्टी में मिल जाएगा। और उसी समय भगवान ने लीला की, एक नया अवतार ले लिया। बोल मोहिनी भगवान की जय। मोहिनी अवतार लिया और मोहिनी अवतार लेकर के देवता और दैत्यों के सामने उन्होंने उधर से आना प्रारंभ किया। जब दैत्यों की तरफ आए तो मोहिनी को देख करके सारे दैत्य आसक्त हो गए। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। मोहिनी को देख करके दैत्य आसक्त हुए क्योंकि भगवान ने मोहिनी अवतार लिया है। ऐसा संसार में कौन होगा जो भगवान के स्वरूप पे न रीझे न मोहित हो। दैत्य मोहित हुए, मोहित दैत्यों को देख करके मोहिनी को मौका मिला और भगवान ने उनके कौतूहल का कारण पूछा कि तुम्हारे बीच में ये क्या झगड़ा हो रहा है, किस बात को लेकर के हो रहा है। और सभी दैत्यों ने कहा देवी झगड़ा कुछ नहीं है, ये सब जो है इस कलश के कारण हो रहा है। क्या है कलश में? अमृत है देवी। देवी के हाथ में कलश दे दिया। भगवान ने कहा देखो भगवान कभी भी झूठ कहीं भी झूठ नहीं बोले। पहली का कि विश्वास मत करो हमारे ऊपर क्योंकि हम तो मोहिनी है, चंचल स्त्री है, चलायमान स्त्री है, चलती फिरती स्त्री पे विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन दैत्यों के ऊपर जो दृष्टि डाली, जो दृष्टि का वज्रपात किया है, तो सारे के सारे दैत्य कामुक हो गए और सभी दैत्यों को ऐसा लग रहा था कि ये जो है देवी है ना हमारे ऊपर ही उपकार करेगी, हमको ही अमृत ज्यादा पिलाएगी। प्रत्येक दैत्य को लग रहा है कि हमें ही चाहती है। दैत्य कौन होता है पता नहीं, वहां थे कि नहीं दैत्य, मैंने नहीं देखे, कथाओं में सुना है। लेकिन दैत्य कहते हैं जिनकी आंखों में काम बसा हो वही दैत्य है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। लेकिन सभी दैत्यों ने विश्वास किया, अमृत का कलश दिया। भगवान ने दो पंक्ति बनवाई, एक पंक्ति में देवताओं को बिठाया और एक पंक्ति में दैत्यों को बिठाया। देवता दैत्य दोनों अलग अलग बैठ गए। लेकिन भगवान ने सोचा पिलाना तो केवल देवताओं को है, दैत्यों को तो पिलाना नहीं। लेकिन कैसे पिलाऊं? अगर देवताओं को पिलाते हैं तो ये दैत्य उत्पात करें। युक्ति सोची। ध्यान देना, भगवान तो भगवान ही रहेंगे। भगवान ने प्यारी सी मोहिनी छवि दैत्यों के ऊपर दृष्टिपात किया और दृष्टिपात करते हुए मुस्कुराते हुए उस कलश का जो पर्दा था हटाया, ऐसे उंगली डाली और उंगली डाल करके निकाल करके टपकाया जमीन पर। और संकेत में भगवान दैत्यों को बताना चाहते हैं देखो ये ऊपर है ना पतला पतला, लस्सी रख के देखो घंटे बाद ऊपर पतला पतला पानी पानी हो जाता है। समझाना ये चाहते हैं कि ऊपर जो पतला पतला है ना ये देवताओं को मैं पिला देता हूं, पिला देती हूं, और नीचे जो गाढ़ा गाढ़ा माल है वो आप लोगों को पिलाऊंगी। दैत्य समझ गए। अब दैत्यों को लगा ये तो अपना ही भला सोच रही है, इसमें कोई बुराई नहीं क्योंकि गाढ़ा माल तो नीचे ही होता है। केवल उंगली के टपकाने से दैत्य शांत हो गए, लाइन में बैठ गए। देवताओं की लाइन में भगवान ने अमृत पिलाना प्रारंभ किया। पिलाते 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 आगे बढ़े, बढ़ते बढ़ते जब ज्यादा आगे बढ़े एक दैत्य था राहु, उसके मन में शंका हुई कि शंका ये हुई आखिर घड़ा तो घड़ा ही है, कितना बड़ा घड़ा होगा, 2 किलो 5 किलो, एक सीमा होगी, हद होगी। उस दैत्य को लगा कि हमें तो ऐसा लग रहा है हमें ना ही पतला मिलेगा ना ही गाढ़ा मिलेगा, इसीलिए वो राहु देवताओं का स्वरूप बना करके सूर्य चंद्रमा बैठे थे,
सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण आता है कि नहीं? यही राहु आता है। सूर्य चंद्रमा बैठे थे, सूर्य चंद्रमा के बीच में जाकर के राहु बैठ गया। उनके बीच में ही क्यों बैठा? क्योंकि वो दोनों राहु से डरते थे। बोलो जय श्री कृष्ण, जोर से बोलिए जय श्री कृष्ण। सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठा भगवान तो पिलाते पिलाते आ रहे हैं, और जैसे ही भगवान ने सूर्य चंद्रमा को पिलाया और बीच में पीते हुए राहु को देखा, और तब जो वह सूर्य चंद्रमा से नहीं रहा गया, और तब जो वह उन्होंने कहा भगवान से, महाराज इसको मत पिला देना, ये तो दैत्य है। इतने में तो वो पी गया, और जब दैत्य का नाम लिया भगवान को क्रोध आया, और मोहिनी रूप को त्याग करके असली रूप में आए और सुदर्शन चक्र को याद किया और तुरंत राहु का गला काट दिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। गला काटा। इतने में उन्होंने कहा महाराज ये तो पी गया, जितने टुकड़े करोगे उनका कोई लाभ नहीं है, उतने नग बन जाएंगे। और इस प्रकार फिर जो भगवान रूप में आ गए, फिर घमासान युद्ध हुआ, और युद्ध का परिणाम ये हुआ अमृत पीने के कारण जो देवता थे शक्तिशाली हो गए, उन्होंने दैत्यों की पराजय की और अपने स्वर्ग का आधिपत्य राज्य प्राप्त किया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब इधर राजा परीक्षित को चिंता हुई, महाराज ये तो भगवान थे, तो भगवान को स्वयं को नहीं पता लगा कि बीच में दैत्य आ गया है, भगवान को भी बताना पड़ा सूर्य चंद्रमा को कि ये दैत्य है, इसको क्यों पिला रहे हो, भगवान तो जान ही जाने। सुखदेव जी कहते हैं राजन तू बड़ा भोला है, भगवान तो भगवान ही रहेंगे, भगवान को तो पता था कि आकर के बैठ गया है, लेकिन भगवान जब कुछ करते है ना वो समाज को शिक्षा देने के लिए करते हैं। इसमें भी उन्होंने शिक्षा दी है। क्या शिक्षा मिली इससे? राहु को अमृत पिलाने से शिक्षा ये मिली है कि जीवन में कभी भी पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए। अगर पंक्ति में बैठे हैं, ऐसा नहीं अपने जमाई को दो लड्डू ज्यादा दे दो और दूसरे को एक कम दे दो। बोलो जय श्री कृष्ण। पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए। पंक्ति भेद शास्त्र की मर्यादा नहीं है। एक जैसा भोजन परोसना चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार फिर जो है सबकी जय जयकार हुई और भगवान ने मोहिनी अवतार लिया। इसी मोहिनी अवतार के लिए कहते हैं भोले बाबा भी दर्शन करने के लिए आए थे। बोल शंकर भगवान की जय। और भोले बाबा ने मोहिनी अवतार के दर्शन किए और आनंद हुआ और भोले बाबा भी मोहित हो गए। इतना ही बता देता हूं। लेकिन फिर राजा परीक्षित को शंका हुई, महाराज आप तो कहते हो ये काम विजयी हैं, काम विजयी हैं भोलेनाथ, फिर ये मोहिनी पे क्यों रीझ गए? मोहिनी पे रीझने का कारण जब काम विजयी हैं, काम को जीता है, तो मोहिनी में आसक्त क्यों हुए? क्योंकि मोहिनी के पीछे पीछे भोलेनाथ दौड़ने लगे थे ना, आलिंगन किया ना, तब मोहिनी नहीं थे, तब तो हरि और हर का मिलन हो गया। बोल हरि हर भगवान की जय। राजा परीक्षित ने कहा फिर भोलेनाथ क्यों मोहित हो गए? उन्होंने कहा लो कल लो बात, भोलेनाथ क्यों नहीं मोहित होंगे? क्योंकि मोहिनी रूप धारण किसने किया है ये देखिए आप। महाराज वो तो नारायण ने किया है, तो शिवजी नारायण के कौन है? भक्त हैं, राम के उपासक हैं, रामस्य ईश्वर रामेश्वर। तो अगर भोलेनाथ मोहिनी अवतार में मोहित नहीं होते तो लोग क्या कहते, समाज क्या कहता कि ये कैसा मोहिनी है, शिवजी बाबा तो रीझे नहीं। मोहिनी का मतलब विश्व मोहिनी, यानी विश्व में कोई न बचे ऐसा मोहिनी। तो अगर भोलेनाथ नहीं रीझते तो भगवान का अपकार होता। तो भोलेनाथ चाहते हैं कि मेरी बुराई हो जाए थोड़ी तो मैं सहन कर लूंगा, लेकिन मेरे प्रभु की बुराई नहीं होनी चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।
क्योंकि जो भक्त लोग होते हैं वो भगवान की भक्ति ही चाहते हैं और भगवान की जय जयकार चाहते हैं। आइए हम लोग भी गुनगुनाते हुए बड़े प्यार से भोलेनाथ की जय जयकार करें या जो है ठाकुर जी का गुणानुवादन करें, क्योंकि हम जा रहे हैं कहां? भगवान के पास। भगवान हमारे बीच में आने वाले हैं। अब ऐसे भगवान तो आते नहीं, प्यार से बैठे हो ताली आप नहीं बजाते, जैसे कसम खा के आए हो कि हम नहीं बजाएंगे कुछ भी हो जाए, है कि नहीं? कथा सुनाना करना ताली बजाना तो पंडित जी का काम है, दक्षिणा पंडित जी ने लेनी है, हम नहीं बजाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। तो ऐसे भगवान भी नहीं आते, ऐसे भगवान भी नहीं आते। एक शिष्य ने पूछा था गुरुजी से, जो महाराज भगवान को पाने के लिए कितने दुखी हो, कब भगवान मिलेंगे? उन्होंने कहा जब समय आएगा तो बताएंगे। तो वो समय आ गया, इस प्रसंग को नहीं बढ़ाता, तो हम लोग भी आइए, हमारे बीच में भगवान देरी न करें, जल्दी आवे तो जो है गुणगान करें। बोली बांके बिहारी लाल की जय। बड़ा ही प्यारा भजन है आप सभी के लिए ये भजन, तो आप सभी को मैं ये चाहूंगा कि ताली के साथ जरूर दे। भजन श्याम सुंदर करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर ताली बजाइए करते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे, भजन श्याम सुंदर करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे। अगर आप प्रेम करोगे ना तो ये संसार सागर से तर जाओगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे। बेशक मिलेंगे किसी दिन, कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन, कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन, कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन, जो सत्संग पथ से गुजरते रहोगे, जो सत्संग पथ से गुजरते रहोगे, भजन श्याम सुंदर करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर करते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे, भजन श्याम सुंदर करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर करते रहोगे। जो भजन है ना, जो भजन है ना, वो ऐसा रास्ता है जो आपको भगवान से जोड़ सकता है। अगर आप सच्चे मन से उनको याद करोगे ना, भगवान आपको जरूर मिलेंगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे। Oh, 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 oh
सभी के सदा तुम चढ़ोगे हृदय पर, सभी के सदा तुम चढ़ोगे हृदय पर, सभी के सदा तुम चढ़ोगे हृदय पर, सभी के सदा तुम जो अभिमानी से उतरते रहोगे, जो अभिमानी से उतरते रहोगे, तो संसार सागर से उतरते रहोगे पार, संसार सागर से उतरते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, श्री राधे ताली बजाइए। होगा कभी क्लेश मन को तुम्हारे रहोगे, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जिस अवतार में भगवान ने अवतार लिया है, जिस रूप में, उस अवतार के चरित्रों को तो हम भी सुनना चाहेंगे। तो हे राजन, सुखदेव जी कहते हैं देवों के साथ हुए संग्राम में पराजित होने पर दैत्यों ने शुक्राचार्य महाराज का आश्रय लिया और शुक्राचार्य जी की कृपा से दैत्यों का बल बढ़ने लगा। बलि महाराज संतों की सेवा करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो शक्ति बढ़ रही है, बलवान होने लगे। उन्होंने विश्व जित यज्ञ किया, विश्व को जीतने वाला यज्ञ। गुरुजी महाराज ने विश्व जित यज्ञ करने का जो है कहा, तो जो शत्रु की सेवा करते हैं, शुक्र की सेवा करते हैं, उनके अंदर शक्ति बढ़ती है। शुक्राचार्य जी को लगा कि यदि मेरा शिष्य चेला 100 अश्वमेध यज्ञ कर ले तो ये इंद्र बन जाएगा, इंद्रासन पर बैठ जाएगा। शुक्राचार्य ने सोचा कि बलि 100 अश्वमेध यज्ञ करे तो स्वर्ग का जो है राज्य मिल जाएगा, और बलि राजा ने शुक्र महाराज की कृपा से स्वर्ग को जीत लिया। देवता घबराए, भागते हुए बृहस्पति जी के पास पहुंचे। इधर देवों की माता अदिति दुख संतप्त हो गई। कश्यप ऋषि के कारण पूछने पर उसने सारी बात बताई तो तब कश्यप ने कहा कि दैत्य ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, धर्म की ध्वजा को धारण करते हैं, नीति ही जिनका छत्र है, उन्हें कौन मार सकता है, लेकिन देवता तो ऐसा कोई कार्य करते ही नहीं, बुद्धि की कथा है। भगवान वामन ने युद्ध किया, कोई तलवार उठाई के भाला उठाया, कुछ नहीं उठाया। कश्यप ने अदिति को पयोव्रत करने का कहा और फाल्गुन के महीने में व्रत किया और व्रत के प्रभाव से उनका जीवन धन्य हुआ। और जब जीवन धन्य हुआ तो जो वृत्ति ब्रह्माकार हुई तो उनके घर में भगवान ने आने की सोची। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। परम पवित्र, ध्यान देना, यही भादों का महीना आया और शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्यान काल में वामन भगवान प्रकट हो गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। माता पिता को आवास कराने के लिए वामन भगवान पहले चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट हुए। बताते हैं कि मैं ही आया हूं, कल को दोबारा कौन, नहीं नहीं आप तो आए नहीं, वो तो कोई और था।
तो भगवान ना पहले वामन जो भी रूप में आते हैं ना, पहले चतुर्भुज रूप में आते हैं ताकि माता पिता को विश्वास हो जाए मैं ही आया हूं। कल को झगड़ा करो नहीं, आप तो नहीं आए, वो तो दूसरे थे। चतुर्भुज नारायण के रूप में आए और चतुर्भुज नारायण के रूप के स्वरूप को अदृश्य किया। 7 वर्ष के बटुक बालक बन गए, सुंदर लंगोटी थी, मुख पर दिव्य तेज था और जो है ब्रह्मादि देवता उनके ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। 7 वर्ष के बालक थे इसीलिए इनकी बाल लीला का वर्णन नहीं। और फिर इनका श्रृंगार हुआ, बोल सदगुरुदेव भगवान की। वामन भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया। अदिति माता ने लंगोटी दी, धरती माता ने आसन दिया, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, सरस्वती माता ने जपमाला दी, कुबेर जी ने भिक्षा पात्र दिया और ब्राह्मण को 3 बार संध्या करने का उपदेश दिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्रिकाल संध्या वंदन करने का और बृहस्पति महाराज ने उपदेश दिया कि जाओ आज से मांगो और खाओ, मधुकरी करो, भिक्षा को कहते हैं मधुकरी भिक्षा। और वामन भगवान भिक्षा पात्र लेकर के भिक्षा के लिए चले, लेकिन गुरु के आदेशानुसार प्रचुर मात्रा में भिक्षा लेने के लिए बड़े जजमान का घर बताया गया। और तब उन्होंने कहा कि जाओ चले जाओ भड़च में, वहां बलि राजा यज्ञ कर रहे हैं, वहां जाओगे तो तुम्हें अनुकूल व्यवस्था के मुताबिक भिक्षा मिलेगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। वामन भगवान के दिव्य तेज को देख करके नर नारी मोहित हो जाते हैं। जा रहे हैं, जाते जाते रास्ते में जिन्होंने भी देखा वो मोहित हुए और जाते जाते महाराजा राजा बलि के उस यज्ञ में प्रस्थान किया पहुंचे। वामन भगवान के स्वरूप को देख करके ऋषि मुनि ब्राह्मण जो भी यज्ञ में है सब देख करके मोहित हो रहे। सुंदर बालक को देख करके, नारायण स्वरूप को देख करके जब बलि महाराज को पता लगा तो दरवाजे पर अगवानी करने आए, स्वागत किया, महाराज ऐसा बटुक पहली बार आया है, ऐसा बटुक ब्राह्मण हमने नहीं देता, आतिथ्य किया, स्वागत किया, अंदर महलों में ले गए, सिंहासन पर बिठाया गया। बोलो जय श्री कृष्ण। सुदामा की तरह पैर धोए गए और पैर धोने के बाद कहा महाराज आप मांगिए, क्या मांगना चाहते हैं, जो मर्जी ले लो, क्योंकि बलि महाराज अपने आए हुए यहां के याचक को वापस नहीं जाने देता, जो मर्जी मांगिए, लेकिन आज मांगने भी आए हैं और बताने भी आए हैं और समझाने भी आए हैं। वामन भगवान कहते हैं मैं भिक्षा वाला बाबा नहीं हूं, मैं संतोषी ब्राह्मण हूं, मुझे ज्यादा की अपेक्षा नहीं है, ज्यादा नहीं चाहिए। उन्होंने कहा महाराज मेरी इज्जत के मुताबिक तो मांगिए। उन्होंने कहा कुछ नहीं मांगूंगा, मात्र 3 कदम भूमि मांगूंगा, वो भी 3 कदम क्यों, क्योंकि मेरे गुरु ने आदेश दिया है कि आप त्रिकाल संध्या करना, 3 समय की संध्या वंदन करना। अब 3 समय में संध्या वंदन करूंगा तो कहीं बैठ करके करूंगा ना, तो मेरे पास अपनी जगह है नहीं, कहां बैठ के करूं। भगवान कहते हैं मैं किसी के दरवाजे पे बैठूं, उधर मैं जाप गायत्री मंत्र का जाप कर रहा हूं, अगला डंडा लेकर के आ जाए बाबा जी कौन बैठे हो, इसीलिए मुझे अपनी भूमि चाहिए, अपनी जगह चाहिए। बलि महाराज कहते हैं महाराज क्यों लज्जित कर रहे हो, अगर 3 कदम भूमि में दान करूंगा लोग हंसेंगे, मेरी बेइज्जती होगी, बताओ राजा ने दिया भी तो क्या दिया। अरे महाराज आप 5 गांव मांगो, 5 शहर मांगो, 5 नगर मांगो और अधिक मांग लो,
लेकिन तीन कदम भूमि देने में मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। बोलो जय श्री कृष्ण। बामन भगवान कहते हैं क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप उस खानदान से विलोम करते हो, प्रहलाद जैसे वंशज हैं आपके, आप तो महापुरुष हैं, इतने इतने बड़े बड़े महापुरुष आपके यहाँ हुए हैं। ध्यान देना, वही प्रशंसा वाली बात आ रही है। बामन भगवान की बातों को देख करके राजा बलि ने सोचा ये लगता तो 7 साल का है, लेकिन बातें 60 साल वाली कर रहा है। इसको कैसे पता कि हमारे बुजुर्ग दानी थे, प्रतापी थे, महाराजा थे। थोड़ा थोड़ा चक्कर सा आया कि जो समझ में नहीं आया जादूगर है क्या है। उन्होंने कहा फिर भी कोई बात नहीं महाराज, आप जो मर्जी मांगो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम 3 कदम भूमि मांगेंगे। और उसी समय 3 कदम भूमि देने के लिए तैयार हो गए। तो ब्राह्मण ने, बामन भगवान ने कहा ऐसे नहीं, पहले संकल्प करिए, पहले आप संकल्प करें। राजा ने कहा यह कि यह क्या बड़ी बात है। संकल्प करने के लिए तैयार हुए, जल का पात्र लाया गया, पानी जब डालने लगे तो गुरु को चिंता हुई चेले की। शुक्राचार्य जी समझ गए कोई बामन नहीं है, ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये तो स्वयं परमात्मा ही मेरे चेले को ठगने के लिए आए। हाथ पकड़ा, चेले को समझाया भैया लाला सावधान रहना, ये स्वयं नारायण आए हैं, स्वयं नारायण आए हैं, सावधान रहना। बलि महाराज ने कहा धन्य है गुरुजी, आप कह रहे हैं सावधान रहना, इससे ज्यादा सावधानी क्या होगी जो स्वयं नारायण आ गए, वो भी मांगने आ गए, मेरा तो मान बढ़ गया है। लोग जन्म जन्मांतरों तक याद करेंगे कि धन्य है वो बलि राजा जिसके दरवाजे पे भगवान मांगने आए। तो अगर आज के दिन तो मैं अपना सर्वस्व भी अर्पण कर दूंगा तो वो भी कम है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। संकल्प के लिए जल डालने लगे, गुरुजी नहीं चाहते कि संकल्प हो क्योंकि कोई घटना घट जाएगी। लेकिन जो है उधर शिष्य नहीं मान रहा, उधर बटुक ब्राह्मण कह रहे हैं कि लगता है ये गुरुजी महाराज टांग अड़ाएंगे, यही विघ्न करेंगे। उन्होंने कहा महाराज गुरुजी नहीं है तो मैं ही संकल्प पढ़ दूंगा, नाम गोत्री बोलना इतना तो मुझे भी आता है, इतना तो मुझे भी आता है, विष्णु विष्णु ही कहना है। अच्छा विष्णु विष्णु तो तब होते ना जब हाथ में जलावे, क्योंकि जो पात्र था जिसमें से जल को आना था टूटी में से, गुरुजी महाराज शुक्राचार्य उस टूटी के बीच में जाकर के बैठ गए। अब पानी नहीं आवे, उधर भगवान ने सोचा ये मेरे साथ क्या हो रहा है, तब उन्हें ज्ञात हुआ ये तो गुरुजी की कृपा है। और आज गुरुजी ध्यान देना, देखो भगवान कभी किसी को दंड नहीं देते, निज कृत कर्म भोग कर भ्राता। लेकिन आज भगवान ने दंड आज शुक्राचार्य जी को दिया तो क्यों दिया, ध्यान से सुनना मेरी बात, इसीलिए दिया कि कोई दान दे रहा है और इनका पेट वैसे ही फट रहा है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। दान करने वाला राजा, इनका कुछ लेना देना नहीं, वो दान दे रहे हैं, ये बीच में वैसे ही अपनी आंख फुड़वाने के लिए आ गए, क्योंकि इनकी जो दृष्टि द्वेधा दृष्टि है, और जहां द्वेधा दृष्टि हो वहां अच्छा नहीं होता। तो भगवान ने कहा एक आंख फोड़ दो इनकी, फिर एक दृष्टि अपने आप हो जाएगी। और एक कुसा की तीली ली सीख और उन्होंने अंदर की, और बाबा जी का एक बाजार बंद हो गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। घबरा करके शुक्राचार्य जी बाहर निकले, उन्होंने कहा जान बची लाखों पाए देवे देता रहे राजा, हमने क्या लेना देना। और जल आया, मंत्र पढ़ा और 3 कदम भूमि का संकल्प हुआ। और जैसे संकल्प हुआ बामन भगवान ने विशाल रूप धारण कर लिया, विराट रूप। कितना विराट आपको पता है, 14 लोक होते हैं, कितने होते हैं
सात ऊपर और सात नीचे। ऊपर के कौन कौन से है? भूर भुवा स्वा महाजना तपा सत्य लोक तक, ये सात होते हैं। ऐसे ही नीचे भी होते हैं, आताल पाताल रसातल महातल, ऐसे करके नीचे सात होते हैं। और जब बामन भगवान ने रूप लगाया ना तो ये सिर था ना, तो वो तो सत्य लोक से मिल गया। और जो पैर थे तो जो नीचे वाला लोक जो पाताल हो चाहे महापाताल हो वहां तक गया। और बाकी सारी दिशाओं में उनके हाथ पैर फैल गए, इतने विशाल रूप को देख करके अचंभा हुआ। और तब राजा सो कहा, लो महाराज एक पैर तो मैंने वहां लख लिया सत्य लोक में, और एक पैर जो है नीचे महातल में, अब तीसरा पैर कहाँ रखूं, क्योंकि संकल्प तो तीन कदम भूमि का हुआ है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तब उन्होंने कहा, महाराज तीसरा पैर मेरे मस्तक पे रख लो, और तो कुछ मेरा नहीं बचा, सब कुछ तो नाप लिया। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। और इस प्रकार राजा बलि को बामन भगवान ने छला, लेकिन आज प्रसन्नता भी हुई। आज बलि महाराज से प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के वरदान मांगने के लिए कहा, लेकिन वही वरदान जब मांगने को कहा तो तब जो है बलि राजा को भगवान ने पाताल लोक का बनाया, राजा बनाया, और वहां स्वयं भगवान बंधन में बंध गए, द्वारपाल बन गए। आइए एक बामन भगवान के भजन के माध्यम से आगे को कथा बढ़ाते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल सद्गुरुदेव भगवान की बिहारी जी के हो बिहारी हाँ। सभी भक्तों से प्रार्थना है अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। बामन भगवान की खुशी में खड़े होके जो है थोड़ा सा मूरत सांवरी सूरत माधुरी मूरत सांवरी सूरत माधुरी मूरत सांवरी सूरत माधुरी मूरत सांवरी सूरत छवि मुनि नमन मयूर बिहारी जी ने रूप बमन कवर मयूर बिहारी जी ने रूप बमन कवर मयूर बिहारी लड़ गए शाम सलोने से ना लड़ गए दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी
दीवानी बन जाऊंगी तारा के दीवानी बन जाऊंगी शाम सपने में आए शाम सपने में आए बिहारी लाल की जय। जिंदल साहब सभी से प्रार्थना है अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए। 10 मिनट की कथा है, प्रेम से सुने। रामचरित्र रामायण के अंदर विस्तार से कहा गया है। केवल हम तो यही कहेंगे कि हमें रामायण से कुछ सीखना चाहिए। रामायण सबने पढ़ी है, सबने सुनी है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि श्री राम जैसा कोई पुत्र नहीं हुआ और वशिष्ठ जैसा कोई गुरु नहीं हुआ, दशरथ जैसा कोई पिता नहीं हुआ, कौशल्या जैसी कोई माता नहीं हुई, श्री राम जैसा कोई पति नहीं हुआ, सीता जैसी कोई पत्नी नहीं हुई, भरत जैसा कोई पुत्र नहीं हुआ और रावण जैसा कोई शत्रु नहीं हुआ। कृष्ण लीला से और रामलीला से दो शिक्षा मिलती हैं। राम ने जीवन में जो किया है आप वो करिए, और कृष्ण ने जीवन में जो कहा है आप वो उसको फॉलो करिए। कृष्ण ने क्या कहा है, गीता कही है। इसीलिए राम ने जीवन में जो भी मर्यादाएं सिखाई हैं, उन मर्यादाओं का पालन करेंगे तो जय जयकार हो जाएगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं श्रयाम्यहम्। उपद्रव बढ़ता है, भक्त त्राहि त्राहि करते हैं तो न किसी रूप में परमात्मा भक्तों की रक्षा के लिए अवतरित होते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कराम, दुष्टों का दमन करने के लिए परमात्मा आते हैं। विप्रधैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान क्यों अवतार लेते हैं? विप्र समाज के कल्याण के लिए, संत समाज के कल्याण के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, धर्म की मर्यादा कायम करने के लिए परमात्मा आते हैं। आज वही काम मथुरा नगरी में होने जा रहा है। महाराज कंस से त्रस्त परेशान होकर के देवता जो है ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने भगवान से फरियाद की और भगवान ने देवताओं को आश्वासन दिया कि जाओ ब्रजमंडल में किसी न किसी रूप में अवतरित हो जाओ, मैं वहीं अब लीला करूंगा, आप मेरे लीलाओं का आनंद लेना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।
वसुदेव और देवकी के घर में मेरा प्राकट्य होगा। प्रभु की कृपा से वसुदेव महाराज मथुरा नगरी में कंस की बहन देवकी के साथ ब्याह करने आए। विवाह विधि संपन्न हुई। जब विदाई का समय आया तो विदाई के समय अपनी प्यारी बहन की विदाई के समय कंस ने कहा कि मेरी बहन है और अपनी बहन को मैं अपने रथ में बिठा करके छोड़ के आऊंगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्वयं लगाम पकड़ी, बहन और बहनोई को बिठाया और रथ जो है आगे बढ़ाया। रथ आगे चला, सब प्रेम से हो रहा था। थोड़ी दूर निकले ही थे इतने में आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस बहन को तू इतने प्यार से विदा करने जा रहा है ना, उसी बहन का आत्मा गर्व तेरा काल होगा। आकाशवाणी सुनी, एक बार समझ में नहीं आई, दो बार सुनी, तीन बार सुनी। कंस को अजीब लगा, सोचा ये बार बार संकेत क्यों, क्या मेरे को सचेत किया जा रहा है, सावधान किया जा रहा है। उसी आकाशवाणी को सुन करके कंस का पारा हिल गया, क्रोध आया और क्रोध में आकर के मन में सोचा न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, इस बहन का आठवां गर्भ मेला काल होगा ना, तो बहन ही नहीं रहेगी तो गर्भ कहां से आएगा। म्यान में से तलवार निकाली और अपनी बहन की हत्या करने के लिए उद्यत हो गया। आज वसुदेव जी को चिंता हुई, चिंता हुई ये क्या हो रहा है, मेरे सामने मेरी पत्नी की हत्या। शाम दाम दंड भेद अपनाए और अपनी बुद्धि से आज वसुदेव जी ने अपनी पत्नी की रक्षा की और पति शब्द को सार्थक किया। पति का अर्थ क्या होता है, पति उसी को कहते हैं पातुम रक्षति पति, जो पत्नी की रक्षा कर सके वही पति कहलाने का हकदार है। आज उन्होंने पति कहलाने का जो है नाम को सार्थक कर दिया, मैंने रक्षा की और उन दोनों को कैद में मुक्त कर दिया, हैं? जेल में बंद कर दिया। धीरे 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 विधि के अनुसार पहला गर्भ आया और पहला गर्भ आया तो वसुदेव संकल्पबद्ध थे, संकल्प के अनुसार पहले गर्भ को ले जा करके कंस के पास ले गए। नारद जी के समझाने पर कंस ने जो है देवकी के एक दो तीन चार पांच छह गर्भों को नष्ट कर दिया। सातवां गर्भ आया, उसको कीच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया। रोहिणी के गर्भ में पहले बड़े भैया बलराम जी आए और जब आठवां महीना आया, परम पवित्र भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी आई, रात्रि के ठीक 12 बजे चतुर्भुज नारायण लेकर के वसुदेव और देवकी के सामने भगवान प्रकट हो गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान प्रकट हुए, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट हो गए। सबको बड़ा आनंद आया और सबने, क्योंकि माता पिता दोनों हैं, भगवान ने अपने माता पिता को दर्शन दिए और उनको कहा कि महाराज मेरा आगमन आ गया है, अब आप चिंता नहीं, चिंतन करेंगे तो आपका कल्याण होगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। और तुरंत बंधन मुक्त हो गए क्योंकि भगवान आ गए। और जब बंधन मुक्त हुए फिर उनके ताले खुल गए, पहरेदार सो गए, एक टोकरी में रखा और जो है जमुना जी के माध्यम से नंद बाबा जी के यहाँ पहुंचाने का प्रयास किया। रास्ते में जमुना मैया का भी दर्शन हुआ और जो है जमुना मैया ने चरण स्पर्श किया
और तुरंत भगवान को नंद रानी के बगल में सुला करके वहां आई हुई पहले योग माया को उठा करके वसुदेव जी ले आए। और जैसे योग माया आई बंधन में बंध गए और ताले पहरेदार भी जग गए। कंस को पता लगा, दौड़ा दौड़ा कंस आया और कंस आज कन्या को देख करके पश्चाताप करने लगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये क्या हुआ, कन्या आ गई और दुख हुआ और अपनी बहन बहनों से माफी मांगा। यो महाराज क्या करे हमारा। आइए हम भी भगवान नारायण के आगमन के लिए भैया प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप भजन सुजाना वृंदावन बिहारी लाल की जय। भाई भगवान का अवतार होने जा रहा है, ठाकुर जी अपने बीच में आने वाले हैं। बाकी में हरी लाल की जय। मैं
चलिए मन चल वृंदावन चलिए मन चल वृंदावन चलिए का आनंद बड़े प्यार से ठाकुर जी सबके पास आएंगे सबके पास। देखो आप भी आनंद लो, दूसरों को भी आनंद लेने दो, बड़ा आनंद आएगा। देखो बधाइयां दे रहे हैं, बधाइयां दीजिए, बधाइयां लीजिए। हाँ बधाई हो बधाई। आवर वृंदावन लल्ला सुन के मैं आई यशोदा मैया पे तो बनाई लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया पे तो बनाई काना चना मैं सुन के आई यशोदा मैया पे तो बनाई काना चना मैं सुन के आई यशोदा मैया पे तो बनाई यशोदा मैया पे तो बधाई लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया पे तो बधाई हो चोली भी दे दो मैया चुनरी भी दे दो चोली भी दे दो मैया चुनरी भी दे दो चोली भी दे दो मैया चुनरी भी दे दो चोली भी दे दो मैया चुनरी भी दे दो 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 लहंगे की लहंगे लहंगे की दे दो सिलाई न
नथनी की नथनी की वंशी की दे दो तुलारी यशोदा मैया के दो बधाई काना जनम सुन आई यशोदा मैया के दो बधाई दो बधाई मैया दे दो बधाई के दो बधाई मैया दे दो बधाई दो बधाई मैया जनम सुन आई यशोदा मैया के दो बधाई जनम सुन आई यशोदा मैया के दो बधाई हो कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की भक्त के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की भक्त के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हर जन के आनंद भयो जय आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की बिठा दे जय हो बहुत बहुत बधाई बधाई हो बधाई हो बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय सीधी बात है बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय मैंने बीसीए दफा देखा है कि इस दिन सभी भाव विह्वल हो जाते हैं तो किसी की बस की बात नहीं है आना चाहो तो आ जाओ लेकिन दिनेश जी और बब्बू जी प्लीज सबको ना आराम से प्यार से है ना सबको बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो और इतना सुंदर समय अब सभी के हाथ में सभी को प्रसाद की व्यवस्था की गई है और थोड़ा स्टेज खाली कर दें प्लीज खाली कर दें स्टेज और आप सभी ने इस कथा में इस योजन में प्रयोजन में बहुत सहयोग और प्यार दिया है और आपके सहयोग के कारण ही ये इतना बड़ा आयोजन हो सका है और आप सभी पुण्य के भागी हैं कि श्राद्ध पक्ष में आपने कथा श्रवण की और पावन धाम के पवित्र पावन आंगन में ये कथा हुई तो बहुत से लोगों ने सहयोग दिया है 1100 रुपये गुप्त दान महाकल्याण 2100 रुपया श्री कृष्ण गोपाल जी गंगा वाले विश्रांति बाजार इनका भी बहुत बहुत सहयोग रहता है 1100 रुपये गुप्त दान 500 रुपये प्रवीण शर्मा जी सन ऑफ सुंदर श्याम सुंदर शर्मा जी की बहू प्रवीण शर्मा 200 रुपये गुप्त दान 250 रुपये गुप्त दान 1100 रुपये नेतानंद जी ये भी बहुत ही धर्म प्रायण लोग हैं सभी 300 रुपये रजनी जी डॉटर ऑफ सतपाल जी 1100 रुपये सतपाल जी रंग वाले इनका बहुत सहयोग है सतपाल जी का 500 रुपये गुप्त दान 500 रुपये गुप्त दान 500 रुपये शोर डोर जी 200 रुपये गुप्त दान 4200 रुपये गुप्त दान 100 रुपये गुप्त दान 500 रुपये नरेश महेश बाकी बाद में आज की आरती के लिए श्री राजकुमार जी शर्मा सचिन शर्मा जी संजीव शर्मा सब परिवार सहित ऊपर आ जाएं राजकुमार शर्मा जी राकेश रुमाना जी परिवार सहित ऊपर आ जाएं विकास बंसल जी परिवार सहित ऊपर आए नरेश गर्ग जी परिवार सहित ऊपर आएंगे आज का प्रसाद खिचड़ी का प्रसाद जो है ललित की तरफ से वो भी परिवार सहित ऊपर आएंगे खीर का प्रसाद श्री दयाचंद जी लोहे वाले रमेश सिंगला जी वो भी ऊपर आएंगे पकोड़े
युधिष्ठिर बंसल जी वो भी ऊपर आ जाएं, और जलेबी सतपाल जी नित्यानंद जी तरफ से वो भी आ जाएं। आज की पूजा जो है डॉक्टर बबू महेश्वरी जी उर्फ सुरेश महेश्वरी तरफ से है, वो भी अपने परिवार के साथ ऊपर आ जाएं। सभी का बहुत बहुत अभिवादन अभिनंदन और बहुत बहुत आप सबको बधाई। जो भी आज अपनी मनोकामना करके जाएगा उसकी अवश्य पूर्ण होगी। पत्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि सम प्रभा निर्विघ्नम गुरुमे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। सब लोग खड़े होकर के आरती और प्रसाद लेकर के जाएंगे। भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है।